आर वी लाइव एक बार प्लीज़ आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देंगे फाइनली क्लास स्टार्ट सॉरी दोस्तों थोड़ा लेट हो गया आई एम रियली सॉरी क्लास सेटवेट करने में ही टाइम का हो गया था बट आफ्टर ऑल वी आर हियर फाइनली एंड आज एक बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपका एक पार्ट है बेसिकली ये ठीक है सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सत कैसे हैं आप सभी लोग हाय हेलो 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 इवनिंग चलिए ऑल ओके साउंड और जितनी भी चीज़ें होती हैं साउंड के साथ साथ सब ठीक है एकदम बढ़िया है चक्काचक चल रही है ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हैप्पी उगाड़ी हैप्पी उगाड़ी फ्रॉम कर्नाटका हैप्पी उगाड़ी हैप्पी गुड़ी पाड़वा हैप्पी नवरात्रि आज आप में से कई लोग व्रत भी होंगे इवन मैं भी व्रत हूँ ठीक है सो so, आज हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है इधर और गुड इवनिंग गुड इवनिंग सेशन को जल्दी से आप लोग एक बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी आप लोग जुड़े हो एक बार शेयर कर दो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज ठीक है बोट एंड स्ट्रीम एक कॉन्सेप्ट एक दो ट्रिक्स अच्छी खासी और आपके क्वेश्चंस का करने का नज़रिया बदल दूंगा देखना बहुत फास्ट करोगे आप अच्छे लेवल से करोगे सर आपने तो स्टीट स्पीड टाइम डिस्टेंट घोल के पिला दिया <laughs> चलिए अच्छी फाइनली आप पी लिया आपने तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या है कैसा कॉन्सेप्ट है सब कुछ ये समझ में आ जाना चाहिए ठीक है माय हेल्थ वाज नॉट गुड आफ्टर वन मंथ आई एम हेयर ओके सो वेलकम बैक इंद्रानी चलिए आप सभी लोग आ गए हैं एक बार सेशन को एक बार शेयर करो जल्दी से जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने सारे दोस्तों में और सारे ही ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दीजिए स्टेटस लगा दीजिए व्हाट्सएप पर बता दीजिए कि अब सर आ गए हैं अब होगी बहुत ही धमाकेदार क्लास चलिए अच्छा मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शायद डाला नहीं है एक बार डाल देता हूँ टेलीग्राम पोस्ट पे देखिए आज ये पढ़ेंगे आप लोग मुझे एक बात और बताओ तब तक कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सो मेक श्योर कि वी आर ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं बस एक मिनट अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ बाकी सब कुछ ऐसा कि वैसा ही है ठीक है आ, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट और आप लोग कैसे हैं यस भैया यस यस वेरी गुड कई लोग के डीवी के मेला आ चुके होंगे एस बी आई के बहुत खुश हैं उन लोग अच्छी बात है खुश होनी चाहिए चलो स्टार्ट किया जाए टेलीग्राम बता दीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द कांस्टेंट गाइड नाम से ही येस सर yes, कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं सब लाइक कर दो वाई लोग इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हां जी ये आप लोग खुद से कर लीजिए लाइक वाइक चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्लास पे आते हैं प्लीज एक बार जल्दी से सेशन से, से से को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और पहली बार है तो कर लीजिएगा शेयर वगैरह ठीक है शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह देखिए आपकी एग्जामिनेशन अभी ये सब होने वाले कल मैंने आपको आरबीआई सेशन की अपडेट दी थी आपको अगर याद हो मेरा एक फ्रेंड है तो फ्रेंड ने ये बताया कि उनके यहाँ जो यूनियन का मैसेज आता है वो मैंने एक मैसेज शेयर नहीं कर पाया था शेयर करना अलाउड नहीं था पर उनके यहाँ जो मैसेज आता है यूनियन का उसमें लिखा हुआ साफ साफ मैसेज फ्रॉम यूनियन तो यही बातें लिखी थी अब ये कितना सच है कितना झूठ है वी एग्जैक्टली डोंट नो कि कितना कब क्या होगा लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली जून में आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन कई लोग पूछ रहे भैया एस का क्या होगा एस का क्या सीन है तो एस एस नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट अप्रैल शेड्यूल्ड है मोस्ट प्रॉब्लली आ जाएगा एक अप्रैल को आ जाता है वो ठीक है बाकी इसका कैलेंडर आ चुका है ए सी का आपका नेक्स्ट मंथ में देखते हैं जहां तक आ सकता है ठीक है द आई डी आई क्या है मतलब यही है कॉन्सेंट ग्रेट आप डालोगे ना टेलीग्राम पे मेरा ही चैनल आएगा 53, 54,000 मेंबर्स शायद होंगे इसमें ठीक है ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप मेरे चैनल का जो नाम है वही डालोगे तो आ जाएगा ठीक है 53 या 54,000 मेंबर्स कुछ ऐसे ही हैं चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास ठीक है तो ये सारी बातें थी पी नहीं मिली लास्ट क्लास का सर ठीक है मैं लवा दूंगा आई एम रियली सॉरी शायद हो गया होगा बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्लास ठीक हा, है हाँ बोर्ड एंड स्ट्रीम है देखिए बोर्ड एंड स्ट्रीम में बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्यों टाइम स्पीड स्ट्रीम घुसाया देखिए होता क्या है ना दो तरह के आप देखोगे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है कॉन्सेप्ट ये होता है हमारा बहुत ध्यान समझिएगा देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है एक होता है आपका एक आता होता है आपका स्टिल वाटर ठीक है एक होता है आपका स्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं स्थिर पानी ठीक है स्थिर पानी अच्छा एक आपका होता है फ्लोइंग वाटर एक आपका होता है फ्लोइंग वाटर ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बहता हुआ पानी कह सकते हो आप वरना कुछ भी बोल सकते हो हिंदी में बहता हुआ पानी ठीक है अच्छा अब को भैया इससे क्या अंतर है क्या मतलब है आपने लिखा होगा लेक वेक देखा है आपने लेक जो होती है तो लेक मोस्टली आप देखोगे स्टिल वाटर होता है शांत ऐसे होती है ना झील जैसी एक कहावत भी नहीं मुहावरा है झील जैसी शांत हो तुम पता नहीं कुछ ऐसा ही है ठीक है जो आगे का मुझे नहीं याद है लेकिन कुछ ऐसा ही है <laughs> तो झील जैसी शांत मतलब झील जो होता है जो इस लेक होता है एग्जाम्पल के तौर पर स्टिल वाटर होता है और मूविंग वाटर आपका मोस्टली आप देखोगे रिवर के, के केस में होता है जो रिवर्स होती है गंगा नदी यमुना नदी आप देखोगे तो उसमें पानी क्या होता है बह रहा होता है मतलब फ्लो कर रहा होता है स्पीड होती है पानी की अपनी तो अब टाइम स्पीड में क्यों घुसाया इसको देखिए जब आपका स्थिर वाटर होता है तो जरा समझते हैं किस तरह का होता है सीन मान लीजिए आपका रिवर का शोर है जो झील है उसका ये किनारा है और ये रहा मेरा पानी मैंने यहाँ लगा दिया पानी ठीक है बहुत ध्यान समझिएगा ये हमारा हो गया पानी अब स्टिल वाटर है अब मान लीजिए इसमें मैं कोई अपनी बोर्ड उतारता हूँ अपनी कोई नाव उतारता हूँ ठीक है अपनी मैं कोई यहाँ पे नाव उतारता हूँ जो कि यहाँ पे चल रही है तो इसमें समझने वाली बात ये होती है कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि जो हमारी नाव होती है जो हमारा यहाँ पे बोट uh, होती है जो हमारी बोट की स्पीड होती है बहुत ध्यान समझेंगे जो ही हमारी बोट की स्पीड होती है मान लीजिए हमारा बोट है उसकी स्पीड कुछ बी है या फिर टैंक किलोमीटर आ कुछ भी मान लो ये जो बी है ये मान लीजिए टैंक किलोमीटर पर आ रहा है ठीक है और स्टिल वाटर में जो हमारा पानी होता है जो करंट होता है इसको करंट बोलते हैं करंट या पानी बोलेंगे उसकी स्पीड जीरो होती है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है मूव नहीं कर रहा है तो इस केस में जो नेट स्पीड आती है इस केस में जो स्पीड आती है वो आपकी बोट की स्पीड होती है क्योंकि सिंपल सी बात है जो पानी है वो ठहरा हुआ है तो आपकी नाव जितना स्पीड लगाएगी उसी स्पीड से आपकी नाव चलती रहेगी उसको नाव को पानी से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा कोई भी रुकावट नहीं आएगी पहली चीज दूसरा कैंस कॉन्सेप्ट क्या होता है जैसे रिवर की हम बात कर रहे थे तो रिवर में क्या होता है देखो जरा मान लो यहाँ पे है और ये आपका पानी है ठीक है ये रहा आपका पानी अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे भी हमने क्या किया नाव को उतार दिया ठीक है और यहाँ पे भी हमारी नाव चल रही है किसी स्पीड से मान लेते हैं ये रिवर है मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारी बोट है बोट की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है ठीक है और जो करंट है करंट है जो करंट है मतलब कि जो पानी है ये जो बहता हुआ पानी है तो पानी की कुछ स्पीड होगी ना कम होगी लेकिन कुछ तो स्पीड होगी किसी बहाव से वो भी बह रहा है तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी अब इस केस में क्या होता है जो फ्लोइंग वाटर होता है जो बहता हुआ पानी होता है उसकी अपनी स्पीड होती है तो जब कभी भी अब सिंपल सी बात है इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपने बचपन में स्विमिंग की होगी अभी भी करते हो जिनको नहीं आती तो ऐसी गंगा जी में कभी लेट गए हो तैरे हो कुछ किया होगा ना तो जब हम नदी के बहाव की तरफ बढ़ते थे तो हमको बहुत मज़ा आता था क्योंकि नदी का पानी बह रहा है हम भी उसी पे बह रहे हैं और दोनों साथ में बहुत जल्दी से आगे चले जा रहे हैं तो जब हम नदी के बहाव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है उसमें जुड़ जाती है बहुत मज़ा आता है ठीक है ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता लेकिन उसी में आता है दूसरा केस कि जैसे मान लीजिए आपकी नदी इधर बह रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है हमारी स्पीड भी जो नेट स्पीड होती है वो घट जाती है तो जो फ्लोइंग वाटर होता है फ्लोइंग वाटर में दो केस होता है कि जो हमारी बोट है क्या वो हमारे करंट की स्पीड में जा रही है अगर करंट के मतलब डायरेक्शन में जा रही है मान लो करंट की जो हमारी स्पीड है वो मान लीजिए है तीन किलोमीटर पर आठ ठीक है तो अगर उसके डायरेक्शन में जाएगी अगर जो हमारी बोट है वो वाटर के डायरेक्शन में जाएगी तो हमारी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी पंद्रह प्लस तीन अठारह हो जाएगी ये बात समझ में आती है लेकिन अगर उसी के उल्टा है मान लीजिए तीन किलोमीटर का ये इधर से आ रहा है और इधर हम पंद्रह जा रहे हैं तो हमको क्या है और पुश करना पड़ेगा नेट स्पीड हमारी घट जाएगी और वो घट के कितनी हो जाएगी पंद्रह माइनस तीन बारह हो जाएगी क्या इतनी बात समझ में आती है चलिए सर तो आप कितने अच्छे समझाते हो थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स चलिए वेरी गुड थैंक यू सो मच समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ये होता है एक होता है स्टिल वाटर एक होता है फ्लोइंग वाटर ये दो केस होते हैं फ्लोइंग वाटर में जब ये सब पानी बहने लगा तो किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो है भैया अब हमारी नाव जो है उसको दिक्कत हो रही है जो हमारी नाव की एक्चुअल स्पीड है वो नहीं आ रही है और जहाँ स्पीड में चेंज आता है वहीं आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस घुस जाता है ठीक है तो यहां पे क्या हुआ कि स्पीड में चेंज आया और कोई मैथमेटिशियन रहा होगा उसने बोला कि चलो इसको भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में डालो तो इसीलिए हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक अलग से क्लास करते हैं जिसको बोलता जाता है बोट एंड स्ट्रीम ठीक है अब बोट एंड स्ट्रीम में सिर्फ आपको दो ही कॉन्सेप्ट जानना है एक तो स्पीड जो हमने जान लिया कि शांत जल में नाव की गति कितनी है शांत जल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फ्लोइंग वाटर में तो एक्चुअल स्पीड पता ही नहीं चलती ना फ्लोइंग वाटर में तो एक्चुअल स्पीड पता ही नहीं चलती इसलिए शांत जल में हम बोट की स्पीड को जानने की कोशिश करते हैं और वो हमारी जो स्पीड होती है उसको हम कुछ यहाँ पे नोटेशन देते हैं जैसे मान लीजिए या ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड होगी बोट की स्टिल वाटर में उसको हम मान के चलेंगे एक्स ठीक है तो पूरे लेक्चर में दौरान में एक नोटेशन आप ध्यान रखें जब भी मैं एक्स लिखूंगा इसका मतलब है बोट की स्पीड दूसरा अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए हमको कि धारा का क्या प्रवाह है जो हमारी धारा है उसकी गति कितनी है तो उसको हम मान के चलेंगे वाई ठीक है ये बात ध्यान रखा जाएगा चलिए अब अब दो केस और होते हैं एक होता है आपका धारा के अनुकूल एक होता है धारा के प्रतिकूल और यू कैन से डाउन और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि डाउन स्ट्रीम तब होता है जब धारा के हम अनुकूल होते हैं अनुकूल मतलब कि जिधर मेरी नाव नाव बह रही है उधर ही मेरा पानी बह रहा है और यू कैन से कि जिधर आपका नदी का प्रवाह है हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो हमारी नेट स्पीड आएगी वो क्या आएगी बढ़ के आएगी जैसा कि हमने अभी देखा था तो डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा और जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी बोट की स्पीड ये रही बोट और प्लस करंट की स्पीड और ये रहा हमारा करंट ठीक है करंट की स्पीड मतलब पानी का प्रवाह और बोट की स्पीड मतलब जो हमारी बोट है उसकी स्पीड सिमिलरली जो हमारा अप स्ट्रीम होगा उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा तो जो यू की वैल्यू होगी वो ध्यान रखिएगा एक्स माइनस वाई क्योंकि अपस्ट्रीम जाओगे आप तो उसके अपोजिट जाओगे तो आपकी जो नेट स्पीड है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी ठीक है चलिए अब ये वो मेरा वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बोट की स्पीड और ये एक बात ध्यान रखेंगे बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप खुद सोचो कि जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आती है जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आती है डाउन स्ट्रीम समझ गए ना तो कैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि एक बोट है वो नदी के साथ में बह रही है अलोंग विद द रिवर ऐसे बोला जाएगा या फिर बोल देगा साफ साफ कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि उसके साथ में जा रही है तो स्पीड को जोड़ दीजिएगा और डाउन स्ट्रीम भी एक स्पीड है ये डी जो है आपका स्पीड का मल्टीपल है याद रखिएगा स्पीड में यूज करेंगे ऐसी दूसरा वाला अपस्ट्रीम आप भी आपका स्पीड ही है और इसमें क्या है एक्स माइनस फाइव ठीक है एक बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड चूंकि आपको दिख रहा है इसमें जुड़ रहा है तो डाउन स्ट्रीम डी जो होता है हमेशा यू से क्या होता है ज्यादा होता है ये एक यहाँ से हम कंक्लूजन छोटा सा निकालेंगे कि डी की वैल्यू हमेशा यू से क्या होगी ज्यादा होगी एक बात तो ये पता चल गई अच्छा अब आप भैया और कितना बताओगे जल्दी से क्वेश्चन दिखाओ ना ठीक है वेट करो क्वेश्चन आ रहा है उसके पहले एक चीज़ और देख लो आप d जो होता है x प्लस वाई और u जो होता है x माइनस वाई जहां x होती है बोट की स्पीड y होती है करंट की स्पीड और रिवर की स्पीड कैसे भी दिया होगा एक कंक्लूजन हम लोग यहां से और निकालेंगे वो ये होगा आप अगर ध्यान से देखो कई बार हमको डी दिया होता है यू दिया होता है और हमसे बोट की स्पीड और करंट की स्पीड पूछ लेता है तो अगर मुझे सिर्फ डी दिया है और सिर्फ यू दिया है तो मैं एक्स वाई निकाल नहीं सकता क्या आप अगर ध्यान से देखो अगर इनको आप जोड़ दो d प्लस यू कर दो सो so, ये रहा मेरा d x प्लस वाई और ये रहा मेरा u x माइनस वाई जरा इनको जोड़ो तो d प्लस यू पता है कितना आएगा इनको आप जोड़ोगे तो y y कट जाएगा 2x आएगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से क्या d प्लस यू बाई टू ठीक है सिमिलरली आप इसमें इसमें घटा दो एक बार जरा तो d में से u माइनस करोगे तो y y जुड़ जाएगा लेकिन एक्स कट जाएगा तो d- माइनस यू बाई टू मेरा कितना हो जाएगा y हो जाएगा कई बार आपसे ये भी पूछता है तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि d प्लस यू मतलब कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई टू इक्वल्स टू एक्स होता है बोट की स्पीड ठीक है और ये होती है बोट की स्पीड और दूसरा हमारा ये होता है d माइनस यू बाई टू ये होता है हमारा करंट स्पीड करंट मतलब और कैंसर रिवर की स्पीड कंफ्यूज हो गया आप लोग रिवर की स्पीड इतना क्लियर है मामला प्लीज एक बार थम्स अप करो इतना क्लियर है d माइनस यू बाई टू वाई होता है और d प्लस यू बाई टू आपका x होता है दैट इज बोर्ड की स्पीड और करंट की स्पीड इसको हम ध्यान रखेंगे d प्लस यू बाई टू डी माइनस यू बाई टू और d होता क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अब एक बात और एक छोटी सी चीज और समझ लो एक कॉन्सेप्ट वाली बात है आपको आगे यूज होगी एक बात ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना जैसे मान लो कि कोई पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक मान लो ठीक है और मैं ये बोलता हूं कि वो ए से बी जा रहा है अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम में देखो ए से बी जा रहा है अपस्ट्रीम मतलब कि वो नदी के अपोजिट जा रहा है तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई फिर मैं बोलता हूं कि वो वापस आ रहा है बी से ए डाउन स्ट्रीम में तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है एक्स माइनस वाई हो जाती है सॉरी एक्स प्लस वाई हो जाती है ये बात समझ में आती है और मैं आपको एक छोटी सी और सिखाता हूँ आपने अगर याद रखा होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है आप ध्यान से देखो ना ए से बी गया और बी से ए आया डिस्टेंस सेम है तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो रिवर्स होता है एक तो ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन में काफी यूज करेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट ये बात कि अगर मैं यहां पे एवरेज स्पीड निकालने जाऊँ कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि एक बंदा है ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है उसकी एवरेज स्पीड बताओ तो उसकी एवरेज स्पीड याद है जब डिस्टेंस सेम होता था तो हम एवरेज स्पीड क्या लिखते थे मुझे बताओ जरा टू इंटू यू इन टू डी अपॉन यू प्लस डी क्या आपको याद आया कुछ क्या आपको याद आया प्लीज हाँ या ना बताएंगे जब आपको मैंने सिखाया था कि जब डिस्टेंस आपकी सेम होती है तो एवरेज स्पीड क्या होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी याद है और जब मैंने आपको यह बताया था कि टाइम सेम होता है तब क्या आती थी ए प्लस बी बाई टू तो यहां पे केस क्या है डिस्टेंस सेम है तो ये भी ध्यान रखना क्वेश्चंस में आगे आएगा बस इतना था कहानी अब आपकी कहानी स्टार्ट होगी जल्दी से लगाओ पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन अरे कंजूसो लाइक कर दो सुरेंद्र चौधरी क्या बात सही आपने कही क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप लोग चलो 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 कैसे करें क्लास यस सर एकदम बढ़िया से क्लियर है ठीक है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सो इतनी चीजें हैं याद रखिएगा अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल है, आपका देखिए ये क्लास 7th, 8th लेवल क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है और आगे आपको मिलेंगे आरबीआई ग्रेड बी और कैट के आए हुए क्वेश्चन तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन और एकदम तगड़े वाले क्वेश्चन सारे करने को आज मिलेंगे बेसिक से लेके हवा तक जाएंगे ठीक है कहावत नहीं वो जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दूंगा तो वही वाली कहावत है कि जितने लोग यहां पे हैं शिवम पांडे प्रिया कृति माथुर सुरेंद्र सेजल प्रियंका मुस्कान चलो देखो आंसर भी आने लगा कितने तेज हो गए यार आप लोग इसलिए बोलता हूँ कि कांस्टेंट गाइड की विजय मिश्रा की फाउंडेशन क्लास नहीं छोड़ने का थोड़ा गाइड कर दीजिए बेटा गाइड तो कर रहे हैं समझाए तो रहे सर होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है प्लीज सॉल्व कर दीजिए जैन है होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है पिछले क्वेश्चन का होमवर्क तो ईजी था अगर डाउट होगा तो बताना मैं कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा चलिए नाइन्टी आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन है इस तो पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहले क्वेश्चन को जल्दी से निकालेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी हुई है फोर्टी मीटर पर सेकेंड मैंने आपको बताया था स्टिल वाटर ठीक है बोट की स्पीड मतलब एक्स दिया हुआ है फिर क्या रहा है स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड मतलब वाई दिया हुआ है ठीक है हाउ व लॉन्ग विल इट टेक इन सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम मुझे एक बात बताओ जब भी आपको मैंने एक बात बोली थी अभी अपोजिट डायरेक्शन ठीक है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लो ठीक है ये रहा ये रहा ये रहा तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन ठीक है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया सॉरी इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन ठीक है और इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हम अपस्ट्रीम में जाएंगे हमारी स्पीड क्या होगी घटेगी ठीक है अपोजिट डायरेक्शन मतलब हो गया अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं अब हमने एक बात पढ़ी थी कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है घट जाती है तो यहां पे अगर स्पीड 40 है और यहां पे स्पीड 15 है तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी 40 माइनस पंद्रह अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड लेकिन हमसे पूछा क्या है हमसे ये नहीं पूछा हमसे पूछा टाइम कितना लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो सिंपल सा फॉर्मुला है देखो अपस्ट्रीम और डाउन ये भी एक डिस्टेंस है एक डिस्टेंस के पैरामीटर हैं तो ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मले में एकदम फिट बैठते हैं आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड सब जानते हैं ठीक है यही होता है तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है मुझे एक बात बताओ डिस्टेंस दी हुई है टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर इसको इसको मीटर में कर लें टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर मीटर में कितना आएगा बाईस सौ पचास मीटर आएगा सबको समझ में आता है इतना तो बाईस सौ पचास मीटर हमने कर दिया कैसे किया भाई थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दिया फिर स्पीड पूछा है अब स्पीड कौन सी होगी क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो नाव होगी उसकी नाव की खुद की स्पीड नहीं होगी उसकी अपस्ट्रीम स्पीड आएगी ट्वेंटी फाइव की ठीक है तो ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकेंड में था आप इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा कितना सेकेंड्स में आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव नाइनजा होता है टू ट्वेंटी फाइव सबको पता है तो आंसर आ जाएगा नाइन्टी सेकेंड्स ईजी है क्लियर है नाइनटी ओके बहुत ही क्वेश्चन था चलो अब क्लर्क का क्वेश्चन आ गया ऐसे हल्का हल्का लेवल बढ़ाएंगे अब एकदम क्लियरिकल क्वेश्चन आपका आ गया आईबीपीएस क्लर्क का आया हुआ क्वेश्चन दो हजार इक्कीस का फिर पी का मिलेगा फिर आरबीआई ग्रेड भी मिलेगा फिर कैट मिलेगा ऐसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा भैया प्लीज डी के लिए बताओ स्टडी ब्लॉग्स हाँ बताना क्या है देखो डी के लिए बताना ये है कि आपका डी होगा चिंता क्यों कर रहा हो एक बार आपका ये तो खत्म हो जाए कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाए जब आपका ये फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक खत्म कर दूंगा जहाँ तक ठीक है उसके बाद क्या होगा हमारा डी आई और प्रैक्टिस डी प्रैक्टिस यही चलेगा ठीक है छाया का आ गया अनुष्का का आ गया शुभ का आ गया ठीक है चलो साक्षी कहने भैया आपकी वजह से सिर्फ अभी इस में इंटरेस्ट आने लगा है थैंक यू सो मच चलिए थैंक यू सो मच साक्षी ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको मैथ्स में इंटरेस्ट दिलवा पा रहा हूँ ठीक है एक टीचर की खास बात यही होती है मतलब एक उसके लिए कह सकते हो पता नहीं क्या अच्छा वर्ड यही होता है ये कि आपको इंटरेस्ट आने लगे चलिए सबका आंसर फोर आ रहा है ठीक है फोर आ रहा है ठीक है किया जाए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आ, हमको दिया हुआ है जो स्पीड है बोट की अप में दी हुई है तो ये नोटेशन याद रखना अप को यू से लिखेंगे डाउन को डी से लिखेंगे बोट की स्पीड को एक्स से करंट की स्पीड को वाई से ठीक है तो मुझे अपस्ट्रीम मतलब यू दिया हुआ है ट्वेंटी पॉइंट फाइव ठीक है आ, स्पीड ऑफ करंट दिया है मतलब वाई दिया हुआ है मुझे सेवन पॉइंट फाइव ठीक है मुझे बात बताओ अपस्ट्रीम होता कितना है एक्स माइनस वाई होता है ना भाई अपस्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है तो यहाँ से हम बोर्ड की स्पीड निकाल सकते हैं क्या तो मुझे बताओ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी देखो ध्यान से अगर यू जो है इसको भूल जाओ ट्वेंटी पॉइंट फाइव इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है तो वाई को यहाँ पुट कर दो सेवन पॉइंट फाइव इधर आ जाएगा जुड़ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी पॉइंट फाइव प्लस वाई वाई कितना है सेवन पॉइंट फाइव तो बीस और सात अट्ठाईस ठीक है ट्वेंटी एट हो जाएगा एक्स टाइम टेकन बाय बोट पूछा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ थ्री ट्वेंटी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सिंपल सा है टाइम पूछा है अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था हमसे आप टाइम पूछोगे तो हम दे देंगे डी अपॉन एस डिस्टेंस कितनी है भाई तीन सौ बाईस किलोमीटर अच्छा स्पीड कितनी आएगी डाउन स्ट्रीम में पूछा है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है जुड़ती हैं तो मुझे एक बात बताओ एक्स प्लस वाई ट्वेंटी एट प्लस सेवन पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यही यार सही कर रहा है ट्वेंटी पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव सब कुछ किलोमीटर में है हाँ अभी किससे कटे के जल्दी से बताओ uh, किससे काटा जाए पांच पांच दस तीन तेरह किससे कटेगा ये किससे काट रहे हो आप लोग फोर्स थ्री ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी एट नहीं डाउन स्ट्रीम में ट्वेंट थर्टी करेंगे ना विजय भैया मैंने आपको मेल किया था ठीक है मैं आपका मेल चेक कर लेता हूँ चलो इसका बताओ कितना है दिल्ली से थ्री किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है ना उसको अच्छा यहाँ पे 279 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्या ये क्या किया है रिशू हिंदी वाला है कि इंग्लिश वाला है इसमें हिंदी में क्वेश्चन अलग है इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है यहाँ चलो ये करके देख लेते हैं इसको या फिर काट लो या तो फिर इसको ले जाओ जीरो वीरो से निकालो मैं तो नहीं तो कुछ आप छोटा मोटा है क्या कटेगा सीजिए बाईस दस सौ दो या तो चलो ठीक है वैसे करो फिर और क्या ऐसे करोगे तो फाइव से कट जाएगा फ़ाइव से काट दो तो फाइव सेवन जा फाइव वन जा फाइव और ये हो जाएगा कितना फाइव से कटेगा फाइव सिक्स थर्टी ठीक है तो कितना हो जाएगा बाईस पाँच चौके बीस और चार सिक्स फोर्टी फोर अपन सेवेंटी वन आ जाएगा तो इसको अप्रॉक्समेटली करने की कोशिश करते हैं जैसे इसको सेवेंटी वन सात आठ छप्पन एट टाइम्स ले जाना तो हो जाएगा आपका आठ सत छप्पन फाइव सिक्सटी एट आ जाएगा कितना बचेगा बत्तीस और 44 बत्तीस चार छत्तीस छत्तीस चार एक सौ चार तो एक सौ तो चार और बच जाएगा एट आवर्स आएगा प्लस एक सौ चार और आपका सेवेंटी मतलब सॉरी नाइन टाइम्स चला जाएंगे तो ना पर तो ये नाइन टाइम्स होगा ना 18.9 दिया है हिंदी में हाँ यार क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत आप इसको ये में से ये वाला शायद वैल्यू सही है रिश्व क्या किया है 322. ये, ये इसका तो चला जाएगा नाइन 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 सिक्सटी थ्री नाइन आवर्स अप्रॉक्स लिखा देखेगा अगर, अगर अप्रोक्स में देखेंगे तो नाइन आवर्स आएगा अप्रॉक्स में ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है इसको अप्रॉक्स में देखोगे तो नाइन आवर्स आएगा एग्जैक्ट देखोगे तो पाँच बजे जाएगा ऐसे कर सकते हो में थोड़ा यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है या फिर मेरे ख्याल से यह हिंदी वाले हिसाब से इसने बना दिया होगा कोई बात नहीं हिंदी वाले हिसाब से बना दिया होगा हिंदी वाला कर लेना आप लोग तो हिंदी वाले में आंसर आंसर सही आएगा चलो कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन बनाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था हिंदी में अलग था ऑप्शन मेरे ख्याल से हिंदी वाले के थे इंग्लिश वाले से आप करोगे तो आपका नाइन फाइव बाई सेवेंटी वन आएगा ठीक है हिंदी वाइल्स करेंगे तो आपका आ जाएगा सर दो बार सीजियल मेन से बाहर हो चुका हूँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्लीज एक बार बता दो डिप्रेस हूं ओके आ, क्या नाम है आशीष इस हफ्ते कल मैं फ्री हूँ कल और शायद या फिर जो भी नेक्स्ट पड़ता है तो उसमें एक सीरील की वीडियो लेके आना हुँ वाला हूँ मैं कि जो बैंकिंग के बच्चे हैं जो सीजियल के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो सीजियल की तैयारी कर रहे हैं साथ में कैसे इसको लेके चले देखो ऑब्वियसली हमको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वैकेंसीज आती हैं सीजल में वैकेंसी ज़्यादा आ रही है सस्सी में सैसेस आ रही हैं यहाँ बैंकिंग में दस ग्यारह हज़ार हैं तो थोड़ा सा मन तो करता ही है और हमारा मोटिव क्या है हमको क्या कोई बैंक में हमने फिक्स कर रखा है क्या एफ डी बनवा रखी है बैंकि में जाना है तो ऐसा कुछ नहीं है आप जॉब के लिए कहीं भी कर सकते हो और मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर आपका बेस मजबूत है अगर आपकी तैयारी हल्की फुल्की हो जाती है ना तो आप पेपर दे सकते हो जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे देना पड़ता है एक चीज़ को स्पीड ऑफ बोट नहीं दिया है भैया इसमें चलो इसमें ये पिछला क्वेश्चन सही है ना ये पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये ठीक है चलो ये वाला बनाओ ये वाला कितना आंसर आ रहा है नाइन टाइम्स टेन टेन आवर्स चलो इसका बनाया जाए इधर देखो कह रहे द स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है एक्स एस टू वाई का रेशियो दिया हुआ है एक्स क्या होता है बोट का स्पीड वाई क्या होता है करंट का स्पीड फोर्टी वन इज टू नाइन ठीक है द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन सिक्स आवर ट्वेंटी फोर मिनट विलकम पैक है देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बहुत छोटा है लेकिन करने में आपको थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पे करना पड़ेगा स्मार्ट गेम प्ले करना पड़ेगा पता है आपको क्या दिया हुआ है कह रहा है द बोट गोज अलॉन्ग विद द स्ट्रीम अलॉन्ग विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम ये बात ध्यान रखिएगा पानी के बाहा का जब आप जाते हैं धारा के साथ जब जाती है तो मतलब डाउन स्ट्रीम में जाती है ना तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है छह घंटे चौबीस मिनट ले रही है ऑब्वियसली जब वापस आएगी तो अप स्ट्रीम में आएगी तो हमसे अप स्ट्रीम का टाइम पूछा है ठीक है डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया है ठीक है अब स्ट्रीम का टाइम पूछा है ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया पहली बात तो अब यहां से जरा दिमाग लगाना चालू करते हैं आप मुझे एक बात बताओ एक्स टू वाई का रेशियो ये है ठीक है हमने अभी आपको अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो d और u होता है इसको हम क्या लिखते हैं x प्लस वाई और ये होता है हमारा x माइनस वाई ये लिखते हैं तो क्या हम d और u के रेशियो नहीं निकाल सकते हम d और u का रेशियो नहीं निकाल सकते भाई मुझे एक बात बताओ डी यू का रेशियो कितना आएगा एक्स प्लस वाई मतलब फोर्टी वन प्लस नाइन फिफ्टी और फोर्टी वन माइनस नाइन मतलब थर्टी टू ठीक है ठीक है ये कितना सो काट लो आप ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन बहुत ध्यान समझना मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे ले जाके ये चीज कि जब कोई बंदा एक जगह दूसरे जगह जाता है अपस्ट्रीम में फिर आता है डाउन स्ट्रीम में या फिर वैसे वर्षा वो जाता है अप डाउन स्ट्रीम में आता है अपस्ट्रीम में तो दोनों केस में डिस्टेंस सेम होती है और जब डिस्टेंस सेम होती है एक बात आप याद रखना जब डिस्टेंस सेम होती है जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं रिवर्स हो जाते हैं उनका इनवर्स रेशियो फॉलो होता है ठीक है तो एक बात यहां पे देखिए आप कि यहां पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जो स्पीड का रेशियो है तो उनके टाइम का रेशियो पता है क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा मतलब जो टाइम का रेशियो होगा सिक्सटीन अपॉन पच्चीस क्या ये समझ में आया कि नहीं आया प्लीज हाँ या ना बताइएंगे ठीक है समझ में आ गया तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा सिक्सटीन इस टू पच्चीस इसका मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम में सिक्सटीन यूनिट टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम में पच्चीस यूनिट टाइम लग रहा है सिंपल सी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमको ये दिया होता है बोर्ड गोज अलॉन्ग विद द स्ट्रीम मतलब कि इसकी जो वैल्यू है इसकी सिक्सटीन की वो मुझे दी हुई है सिक्स आवर ट्वेंटी फोर मिनट्स सिक्सटीन की वैल्यू मुझे दी हुई है सिक्स आवर ट्वेंटी फोर मिनट्स अब इसको कन्वर्ट कर लो आप चाहे ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे तो सिक्स को कन्वर्ट कर लो सिक्स इंटू सिक्सटी कितना होता है थ्री सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फोर थ्री एटी फोर तो मैं इसको लिख रहा हूँ थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर मिनट्स है ठीक है ये सर कितना टाइम्स है कितना टाइम से जरा काट लेना सिक्सटीन टू जा ठीक है थर्टी टू और बच्चे का सिक्स सिक्सटीन फोर जा इसका मतलब चौबीस गुना है जो रियल वैल्यू है तो इसका भी आप क्या करोगे चौबीस गुना कर दोगे पच्चीस इंटू चौबीस होता है छ सौ छः सौ मिनट्स का मतलब आपका क्या होता है दस घंटे ठीक है तो जिनका आंसर टेन आ रहा था उनका आंसर सही आ रहा था क्या आपको समझ में आया ना प्लीज बताएंगे हाँ भैया हाँ कुंदन तिवारी जी को समझ में नहीं आया कुंदन देखिए इसमें समझना क्या है कुंदन आप ये समझो ना मुझे एक बात बताओ मैंने अभी आपको एक बात यह समझाई थी कि जब कोई बॉडी या फिर कोई भी बोर्ड अपस्ट्रीम में जाती है वापस डाउन स्ट्रीम में आती है या फिर वाइसें वर्सा कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम में जाती है अपस्ट्रीम में आती है ये तो वही केस हो गया ना जब मैं आपको सिखाया था कि एक बच्चा है अपने घर से स्कूल जाता है स्कूल से वापस अपने घर आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते थे डिस्टेंस कांस्टेंट होता था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता था तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता था इसका मतलब ये होता था कि अगर स्पीड का रेशियो फोर इंस टू फाइव है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा फाइव इंस टू फोर क्या ये बात में आई आपको इसको बोलते हैं रिवर्स होना तो ये अगर चार इंस टू पांच है तो ये फाइव इज टू फोर होगा तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया है आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा प्लीज एक बार कन्फर्म कर समझ में आ गया थैंक यू सर फॉर दिस फाउंडेशन क्लास ये तरीका बड़ा सही है हरीश कश्यप बोल रहे हैं वेरी गुड भैया मैंने इस टाइम पर सब मैसेज किया है चेक कर लूँगा अभी 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 आप लोग क्लास के समय यार इंस्टा जी मेल छी मेल सब देख लेते हो आप लोग यहाँ चलो अभी क्लास में ध्यान दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं कॉन्सेप्ट जो हो, हो रहा है समझ में आ रहा है नहीं तो कॉन्सेप्ट ये है ठीक है बस यहाँ से हो गया तो हमने टाइम निकाल लिया अब मुझे ये दिया था कि डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया था सिक्स आवर ट्वेंटी फोर मिनट तो जो सिक्सटीन यूनिट की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी अगर 16 यूनिट की वैल्यू आपके इसके इक्वल हो जाएगी तो मैंने अभी सॉल्व किया 16 यूनिट रेशियो जो है 384 एटी फोर मिनट की इक्वल है ठीक है इसको काट दो सिक्सटीन इंटू दर्टी टू छः बज जाएगा चौंसठ सोलह चौके चौसठ तो एक यूनिट कितना है चौबीस यूनिट सॉरी चौबीस तो पच्चीस यूनिट कितना होगा पच्चीस इंटू चौबीस ये बनाइए आई बी पी एस आर आर बी पी क्वेश्चन आया हुआ है समझ में आ रहा है प्लीज एक बार हाँ कर दो हाँ या ना यस डन इन्वर्सली है दोनों ठीक है समझ में आ गया कह रहे हैं। समझ में आ गया ना सुयश मुस्कान कुंदन मैं सबके नाम पढ़ता हूँ देख लो कौन कौन कितना कितना आंसर दे रहा है सर डी आई पढ़ा दो तोसी अरे भाई पहले एक तो खत्म हो जाएंगे दो जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो आप बोलते हो सर ये पढ़ा दो जब वो पढ़ाता हूँ तो वो पढ़ा दो ऐसे बोर्ड स्ट्रीम पढ़ा रहा हूँ तो बोलोगे भैया एस आई सी आई पढ़ा दो जब एस आई सी आई पढ़ाऊँगा तो बोलोगे भैया ये पढ़ा दो अभी जो चल रहा है वो आप वो पढ़ो ना ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊँगा जब मैंने बोला है तो पढ़ाऊंगा नहीं क्या सिंपल सी बात है ना हाँ जी सर क्रिस्टा क्लियर है क्रिस्टर क्लियर है ओके चलो अभी क्लियर हो रहा है ना मजा आ रही है अभी ये बनाएंगे अच्छा क्वेश्चन है तो बस देखो सारे क्वेश्चन आप देखना आपके एकदम प्यार से हो जाएंगे बढ़िया से ठीक है मेथड कुछ भी कह रहे हो रेशियो मेथड शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा चाहे जो भी मेथड हो लेकिन आपको एक लॉजिकल तरीका पता होना चाहिए तो यहाँ पे देखो मैंने लॉजिकल तरीका लगाया ना डिस्टेंस सेम था तो रेशियो रिवर्स कर दिया मैंने अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस करना इस तरह क्वेश्चन को मजा आएगी ठीक है इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिए हैं प्रीवियस क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूँ कि आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो उस पर बेस्ड आपने प्रीवियस कर लिए काम क्लास चलो कैप्टन आया सिक्सटी आंसर आ गया मज़ा आ रहा है सर कॉन्सेप्ट में ठीक है मज़ा आ रहा है ना बस बढ़िया से फिर शेयर कर दो एक बार शेयर नहीं किया तो एक आदमी है वो अब ध्यान सुनना है ठीक है तो एक आदमी क्या है धारा के प्रतिकूल चलता है एक दूरी तय करने में और धारा के अनुकूल के 2 .2 गुना ज़्यादा मतलब 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 तो जो है टू पॉइंट टू टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम से ये बात लिखी हुई है भाई अप्रीम में टाइम जो है टू पॉइंट टू टाइम्स है जितना वो डाउन स्ट्रीम में ले रहा है क्या बात समझ में आई इससे हम अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो निकाल लेंगे इधर देखिए जरा तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो मुझे बताओ कितना आ जाएगा टू पॉइंट टू अप वन इधर से हटा दो इधर जीरो आ जाएगा दो से काट दो ग्यारह टू पाँच आ जाएगा इसका मतलब जो अपट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम का रेशियो है बहुत ध्यान समझिएगा टाइम का वो ग्यारह एस टू पाँच है मैंने अभी आपको सिखाया था कि अप स्ट्रीम और ये आप रट लो दिमाग में बैठा लो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है उनका रिवर्स हो जाता है मतलब फाइव एस टू अलेवन ये हो जाता है ठीक है आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है ठीक है चलो अब क्या कह रहा है इफ़ यू कैन रो फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टू आवर थर्टी मिनट मुझे दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का मुझे क्या दिया हुआ है स्पीड दे दिया है क्यों डिस्टेंस दिया है टाइम दिया है तो निकाल लेते हैं स्पीड यहाँ देखो जरा डाउन स्ट्रीम की मैं स्पीड निकालने जा रहा हूँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में पचपन किलोमीटर ठीक है डाउन स्ट्रीम में मतलब अनुकूल में धारा के अनुकूल अनुकूल याद रखना जो हिंदी वाले हैं ना अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल मतलब अप्ष्ट्रीम. तो अनुकूल में पचपन किलोमीटर चल रहा है टाइम कितना ले रहा है टू पॉइंट फाइव ढाई घंटा ले सकता हूं टू पॉइंट फाइव इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा पच्चीस दूनी आपका आएगा पचास फिर पचास बचेगा पच्चीस दूनी इसका मतलब ये है कि जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो एग्जैक्टली exactly कितनी है ट्वेंटी टू किलोमीटर पर आवर लेकिन रेशियो में कितना था वो अलेवन यूनिट ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो एलेवन यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू तो फाइव यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन इसका मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है टेन किलोमीटर पर आवर अब मुझसे क्या पूछा था स्पीड ऑफ बोट मुझे एक बात बताओ मैंने आपको बताया था ना कई बार ऐसा आएगा आपको यू दिया होगा डी दिया होगा और आपसे एक्स वाई पूछेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होती है मैंने अभी आपको सिखाया था जो बोर्ड की स्पीड होती है वो ऐसे कह सकते हो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का एवरेज होती है ठीक है तो अपट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई टू होती है ठीक है ये कितना है टेन ये कितना है ट्वेंटी टू तो टेन प्लस ट्वेंटी टू अपॉन टू मतलब थर्टी टू अपॉन टू दैट इज सिक्सटीन और ये आपका आंसर है जो कि सारे बच्चों का आ चुका है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समझ में आ गया खुशी और सबका आ गया हास्तोस चौबे चौबे का आंसर नहीं आया ओके ठीक है okay. चलिए नेक्स्ट पर करते हैं आई बी पी एसओ में आया क्वेश्चन आपका अरे बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरी खास बात ये है कि मैं आपको मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं ये करता हूं क्वेश्चन होते हैं ना उनको अरेंज कर देता हूं टाइप वाइज तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया टाइप देखने को मिलता है चलो अनुष्का का आ गया शिवम पांडे हाँ भैया हाँ राइट आंसर भैया मेरा टारगेट पे क्लर्क है प्लीज मैथ्स की स्ट्रेटी बता दो बेटा मैथ्स की स्ट्रैटेजी यही है पढ़ो प्रैक्टिस करो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एक फाउंडेशन क्लास ले रहा हूँ फाउंडेशन क्लास को देखो सीखो और मैं क्या बोलूँ उससे आपको बताइए चलिए कितना आंसर आया इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है आ गया सर कितना आ रहा है बेटा इसका अंतर कैसे कहाश्चन्स का लेवल हल्का हल्का बढ़ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है जो लोग बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं आप लोग को बिल्कुल भी टफ तो नहीं लग रहा है हल्का हल्का लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है बहुत टफ नहीं है अभी पीओ लेवल कर रहे हैं स्टार्टिंग के हमने पाँच छः क्वेश्चन किए अब स्टार्टिंग के जो अगले कुछ छः सात क्वेश्चन आएंगे आपके थोड़ा सा हल्का हल्का टफ आएंगे ठीक है बहुत टफ क्वेश्चन आपका लास्ट में आएंगे दो तीन अभी नॉर्मल क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में इसमें मतलब टफ ही क्या है इसमें यू पता है डी पता है एक्स पता है वाई पता है चार चीज होती है सिर्फ फोर्टी एट होगा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स होगा दो कन्फ्यूजन हो रही है किया जाए देखिए बच्चों का आंसर आने का है? हम करते हैं फिर स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर दिया है इस फाइव टाइम दैट ऑफ करंट मैं डायरेक्टली लिखूँ देखो आपको ये चीज लिखना आना चाहिए कि स्पीड ऑफ ये बोट है और स्टिल वाटर है ये इसका फाइव टाइम्स है मतलब ये अगर वन है तो ये कितना है फाइव है रेशियो आपको लिखने आना चाहिए ठीक है नाउ इट टेक्स वन पॉइंट वन आवर टू रो बी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम सिंपल सी बात मुझे दी हुई है डिस्टेंस कितनी है थर्टीन पॉइंट टू किलोमीटर इसका मतलब ये दिया हुआ है साफ साफ भाषा में मैं बताऊँ साफ साफ भाषा में ये दिया हुआ है कि ए से बी कोई जा रहा है तेरह पॉइंट टू किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहा है किस में कर रहा है डाउन स्ट्रीम में कर रहा है तो हम आराम से स्पीड नहीं निकाल लेंगे मुझे एक बात बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं निकाल लेंगे भाई थर्टी पॉइंट टू किलोमीटर आप कवर कर रहे हो ठीक है कितने आवर्स में वन पॉइंट वन आवर्स में अब ये आप जल्दी से काट लो वन थर्टी टू अपॉइंट एलेवन एलेवन वन जाओ इलेवन एलेवन टू जाओ आपका आ जाएगा ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई ठीक है अब मुझे एक बात बताओ मैंने अभी आपको सिखाया था कि एक्स वाई के रेशियो से आप डाउन स्ट्रीम अप लिखना सीख लो ठीक है कैसे लिखोगे देखो भाई बात भाई डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई सिक्स एक्स माइनस वाई फोर रेशियो में लिखना है तो थ्री इज टू टू ठीक है ठीक है अब मुझे थ्री की वैल्यू दी हुई है ध्यान से देखिए ट्वेल्व तो मुझे टू की वैल्यू मिल जाएगी देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी अगर तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन इतना मिनट्स ऑफ अपस्ट्रीम ठीक है अच्छा इस बार मुझे ना स्पीड चाहिए टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस पूछा है ठीक है तो मुझे बात बताओ डिस्टेंस कवर पूछा है तो मैं क्या लगूंगा अपस्ट्रीम की स्पीड इन टू टाइम अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है ये बहुत ध्यान समझिएगा अभी मैंने आपको बताया कि जो थ्री यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है बारह है थ्री यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है बारह है तो एक यूनिट की वैल्यू तो फोर हो गई तो टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट इसका मतलब स्पीड आपकी एट किलोमीटर पर आर हो गई इन टू टाइम अब टाइम को समझना बहुत जरूरी है टाइम आपका दिया है वो मिनट्स में थ्री हंड्रेड ट्वेल्व मिनट्स तो थ्री हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन सिक्सटी करना पड़ेगा क्योंकि आपका मिनट्स में है इतना समझ में आ गया ठीक है इसको आप सॉल्व कर लो फोर टू फोर फिफ्टीन जा ठीक है पंद्रह से काट दो या फिर इसका डबल कर दो पहले छः सौ चौबीस अपॉन फिफ्टीन तो पंद्रह चौके साठ ठीक है और फोर्टी वन और पॉइंट सिक्स हाँ फोर्टी वन पॉइंट सिक्स आएगा ठीक है फोर्टी एट किसका आ रहा था ठीक है हाँ ठीक है शिवम का सही है अंजलि का सही है सबका सही है इंद्रानी का सही है रन मशीन का नमस्ते भाई लव फ्रॉम तेलंगाना नमस्ते भाई जान भाई ये सीरीज प्री प्लस मेरे के लिए हाँ बिल्कुल होगा आप देखो ना क्वेश्चन किस लेवल के जा रहे हैं हल्के हल्के लेवल बढ़ते रहेंगे समझ में आया प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो पहले थम्सअप बनाओ दो लीजिए थम्सअप हार्ड कुछ बताओ एकदम क्लियर कर दो सर कंफ्यूजन हो रहा है छाया को समझ में नहीं आया देखिए छाया हमने क्या किया कुछ भी आप कंफ्यूज मत हो देखिए ऐसा समझो छाया कि मुझे यहाँ ना बोट और स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ था फाइव इस टू वन बोट और स्ट्रीम का रेशियो दिया था फाइव एस टू वन ठीक है फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो डी होता है मतलब डाउन स्ट्रीम और जो यू होता है मतलब अप स्ट्रीम डी होता क्या है एक्स प्लस वाई अच्छा यू क्या होता है एक्स माइनस वाई तो हम उसका रेशियो लिख लेते हैं तो मुझे एक बात बताओ फाइव प्लस वन होता है सिक्स फाइव माइनस वन होता है फोर अब उसका रेशियो निकालो आप टू से काट दो टू थ्री जा सिक्स टू टू दा फोर अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहां पे जब समझना जरूरी है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो हमने क्यों निकाला क्योंकि मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक डिफरेंट फॉर्म में दी हुई थी डाउन स्ट्रीम क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इतना वो डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है 1.1 आवर ले रहा है तो हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर ठीक है अब थ्री यूनिट की जो देखो मेरे पास क्या है एक्चुअल वैल्यू आ गई रेशियो वाली वैल्यू है तो मैं रेशियो वालों कंपेयर करूँगा कि जो थ्री यूनिट है ये जो थ्री यूनिट है वो कितना इक्वल है ट्वेल्व किलोमीटर पर आर के इक्वल है तो एक यूनिट किसके इक्वल होगा फोर किलोमीटर के होगा तो यूनिट किलोमीटर कि मतलब ये। ये मतलब तो तो की स्पीड है एट किलोमीटर पर आर अब मुझसे यही पूछा था कि में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर वो तीन सौ बारह मिनट चलता है तो तीन सौ बारह मिनट इन स्पीड हो गया अब तीन सौ बारह मिनट यहाँ पे देखो दिया था ना अब चुकी मिनट में किलोमीटर पर आर में है तो मुझे यहां आवर करने के लिए सिक्सटी डिवाइड करना पड़ेगा इतना है मैंने काम किया कुछ और नहीं किया ओके, okay, नेक्स्ट बनाते अगर आप समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवर्स करके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे समझा दिया मैंने सही स्पीड डाउन स्ट्रीम का होता है या बोट का कौन सी स्पीड ये स्पीड देखिए साफ-साफ दिखा रहे हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 5 है मतलब ये 5 गुना है कौन सी स्पीड बात कर रहे हैं ये तो डाउनस्ट्रीम का आया है ये निकालिए आरआरबी पीओ 2019 का क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है डन 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 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक टू लाइव क्लास रोहित यादव वेलकम बैक लव फ्रॉम महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र आज तो महाराष्ट्र में छुट्टी भी थी यार महाराष्ट्र वालों को सही है आज छुट्टी थी आपकी गुड़े पड़वा के उपलक्ष्य में और कौन कौन तो आप में से व्रत है बताओ कोई व्रत व्रत रखता ही नहीं रखता है या फिर आज के दिन तो जो है कुछ उल्टा पुलटा नहीं खा लिए चलिए स्टडी ब्लॉग्स कर रहे हैं भैया मेरी मैथ्स आपकी वजह से अच्छी हुई है थैंक यू भैया वेलकम दोस्त बस आप सेशन को शेयर कर दिया करिए खड़ा से एक बार क्लास के बाद जिससे और लोगों तक तो पहुंचे यार आपकी लाइव वॉचिंग मेरी देखो काफ़ी कम हो रही है एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन आता है ना कि यार थोड़ा सा आप देख रहे हैं सात सौ लोग छः सौ लोग कई बार बढ़ जाते हैं कई बार चांस कम हो जाती है वैसे देखो लगातार क्लास को मेनटेन करना बहुत ही जो सीरियस बच्चे होते हैं जो सच में पढ़ते हैं वही आ पाते हैं लोग आते जाते रहते हैं मैं हूँ हाँ भैया मैं हूँ फास्ट पे वेरी गुड शिवम पांडे मैं हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे हैं ई पी एफ एस एस कुछ बताइए यार ई पी एफ एस एस ओ का अभी पेपर क्लिप आया था उसमें सब लोग वीडियो बनाने लगे मतलब ठीक है नोटिफिकेशन आ जाए दो कल परसों में आए तब बनाएंगे ना क्योंकि हमको ये नहीं पता पेपर का पैटर्न क्या है एस एस सी बना रही है आई बी पी एस बना रही है एन टी ए बना रहा है कौन बना रहा है तो थोड़ा सा पेपर का आइडिया मिल जाए तो फिर वीडियो बनाएंगे ठीक है अभी पेपर क्लिप पर पे मैं क्या वीडियो बनाऊँ ठीक है चलो डिटेल में आने दो तो फिर बना देंगे एक बात जान लो बेटा आप मेरे चैनल पर ना जब तक कोई ठोस इंफॉर्मेशन मेन इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक वीडियो मुझे ही लगता है कि बनाने कोई मतलब बनता है ठीक है आप इसलिए देखोगे कि, कि बच्चे मेरी वीडियो इसलिए पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको पता है जेनविन एडवाइस मिलेगी यहाँ पर चलिए मैथ्स विद आशीष भाई बिग फैन ऑफ योर्स बिग फैन थैंक यू भाई चलिए एफ सी आई मेन्स में बहुत हेल्प हुआ था सर चलिए थैंक यू सो मच चलिए आंसर जल्दी बताइए आंसर बताइए किया जाए फिर किसी का आंसर नहीं आया यार आंसर बताओ आप लोग किसी का आंसर टेन आवर्स आ रहा है ठीक है तो इसमें क्या है कि स्पीड ऑफ बोर्ड स्टिल वाटर दी हुई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी फिर से वही बात है कि मुझे एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है ठीक है अ मैन रोज टू अ अ प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ दिस एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है हो क्या रहा है वही वाली कहानी है कि एक आदमी है किसी जगह पे जाता है और वापस आता है ठीक है अब मुझे एक बात बताओ हम मान लेते हैं कि जाते समय अपस्ट्रीम गया था तो लौटते समय डाउन स्ट्रीम होगा आप उल्टा ही मान सकते हैं ज़्यादा समय डाउन स्ट्रीम होगा तो आज समय अपस्ट्रीम होगा ये सिंपल सी बात है एक बार अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होगा तो जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा उसकी स्पीड कितनी होगी कि मुझे बताओ अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है एक्स माइनस वाई ठीक है तो फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव मतलब थ्री पॉइंट फाइव अच्छा डाउन स्ट्रीम में कितना होता है भाई एक्स प्लस वाई तो फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव मतलब सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है इतना क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं अब मुझे एक बात बोल रहा है कि मैन रोस प्लेस डिस्टेंस ऑफ अभी जो डिस्टेंस है ना ये मुझे दी हुई है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर ठीक है मुझसे पूछा क्या है टोटल टाइम टेकन बाई हिम अब देखिए टाइम आप कैसे निकालो मैं आपको दो तरीके बताता हूं पहला तरीका लिख लेते हैं पहला तरीका इसका ऐसा हो सकता है देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सेकंड वाला शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट तरीका होगा पहले पहला देख लो बिसे तरीका भाई टाइम क्या होगा यहां से यहां तक कितना टाइम लिया यहां से यहां तक कितना टाइम लिया किसी का आंसर नहीं आया चलो कई लोग का आ रहा है ठीक है तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव स्पीड कितनी है भाई अपस्ट्रीम से जाएगा तो 3.5 पॉइंट फाइव प्लस लौटते समय भैया डाउन स्ट्रीम में है उनको पुश मिल रहा है स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड कितनी है 6.5 लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है 22.75 एक तरीका इसको आप सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है एक तरीका ये हो गया पहला तरीका हो गया इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आया जल्दी बताएंगे आप लोग सेकेंड तरीका मैं आपको बताता हूँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कुछ देर पहले ही बताया था ना मैंने आपको कि जब और ध्यान सुनना जब आ, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बोट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह दूसरी जगह जाता है वापस आता है तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी तो जाने की स्पीड कितनी है थ्री पॉइंट फाइव आने की स्पीड कितनी है सिक्स पॉइंट फाइव तो क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँ क्या आपको क्यों भैया भाई टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सर फाइव का डबल और टोटल टाइम और टोटल स्पीड हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाई टोटल टाइम आपको पता है क्या होता है या फिर उल्टा मैं कर दूँ देखो एवरेज स्पीड क्या होता तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मुझसे ये पूछा है मैं ये निकालने जा रहा हूं और ये मुझे दिया हुआ है ठीक है अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे मैंने क्या था टू ए बी तो टू थ्री पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन थ्री पॉइंट फाइव प्लस सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है अब देखो ये कितना होता है छः तीन नौ दस होता है मतलब ये वैल्यू मुझे आ जाएगी टेन ठीक है तो टू फाइव जीरो टेन कट जाएगा फाइव ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन अब मैं बात कर दूँ क्या गलत समझ में नहीं आया तो मैं बात कर देता हूँ वरना कई लोग समझ में नहीं आएगा देखो ये हो जाएगा टेन टू से फाइव टाइम्स काट दो और फाइव थर्टी फाइव काट देगा पॉइंट सेवन टाइम्स ठीक है तो बेसिकली सिक्स पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट सेवन है मैं सॉल्व नहीं करूँगा शायद आगे देखा जाएगा ठीक है ये आ गया एवरेज स्पीड अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड ये है टोटल टाइम निकालना है टाइम को उधर भेज के एवरेज स्पीड डाउन कर देते हैं ठीक है तो जो मेरा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है टोटल टाइम क्या होगा एवरेज सॉरी तो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी ट्वेंटी टू पॉइंट देखो वो गया ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव आया ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कितना तो टू जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव बहुत ध्यान समझिएगा अपॉन एवरेज स्पीड कितनी थी वो जो आई है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट सेवन इसको आप सॉल्व कर लो अब इसको देखो दो तरीके से सोल्व करते हैं मेरे ख्याल से ये से कट जाएगा कितने बार कटे जल्दी बताओ सेवन से कट जाएगा शायद ये एक बार तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने ही पड़ेगा इसको एक बार काट लो ख्याल थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू हो जाएगा ये ना आप ध्यान से देखो तो ये इसका थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स है ये इसका थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स है ठीक है और थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू होता है सेवन और सेवन अपॉन पॉइंट सेवन होता है मेरा टेन क्या आंसर आप लोग का टेन आ रहा है टेन आ रहा है सबका आंसर ओके okay, चलो समझ में आया कैसा लगा क्वेश्चन समझ में आया तो दो तरीका मैंने आपको बताया एक तरीका तो ये हो सकता था अच्छा यहां से भी मैं आपको सिखायाता हूँ देखो कैसे करोगे एक बार सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली फाइव से काटोगे तो आपको ये दिखेगा ना कि ये इसको काटोगे तो सिक्स पॉइंट फाइव आएगा ठीक है और मुझे एक बात बताओ अगर थ्री पॉइंट फाइव में सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया तो सिक्स पॉइंट फाइव एम बाई थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना छः तीन नौ प्लस एक दस होता है तो ये दस आ जाएगा तो चाहे आप ये सॉल्व कर लो चाहे आप ये दिमाग लगा सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है टो, टोटल जो आपका वो होता है टाइम वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस मतलब जितना गया और जितना आया तो टू इंटू टू अपॉन एवरेज स्पीड ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तो आपका दिमाग ऐसे चलते रहना चाहिए तो एग्जामिनेशन में जब भी आप क्वेश्चन आए आपने तुरंत ही निकाला इतना आपको एक्स वाई लिखना नहीं है ये लिखा ये लिखा तुरंत ही एवरेज स्पीड निकाला यहां से पूरा सॉल्व बनकर को कट जाएगा ठीक है यहां से निकाल लिया और यहां पुट कर दिया अभी क्लियर है चलो नेक्स्ट हल्का क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहा है कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है बेसिक जो वाले बच्चे हैं प्रियंका खुशी शिवम सेजल चेतन टू मेथड रिस्पेक्ट करना अच्छा सेकेंड मैथड से रिस्पेक्ट करना क्या कह रहा हूँ भैया कौन सा मेथड यूज़ करना है अच्छा है देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कौन सा यूज़ करना अच्छा है आप पे डिपेंड करता है देखो वैसे तो ये भी सही है क्योंकि आप थ्री एक बार सॉल्व देखो उसको तो सॉल्व कैसे करोगे आप फाइव से काटो ना फाइव से काटो यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ फाइव से काटोगे तो फाइव फोर दा ट्वेंटी फिर टू सेवन मतलब फाइव फाइव दा और फिर आपको दो बजे फाइव फाइव दा फिर काट दो सिक्स फाइव फाइव कट कट जाएगा एक तरीका ये है जैसे आपको दिखेगा सिक्स पॉइंट फाइव तो खुद सोचो ना कि 3.5 पॉइंट फाइव इंटू ये आया है तो 6.5 पॉइंट फाइव इंटू यही आया होगा ठीक है तो एक तरीका ऐसे भी है वरना ये जो भी आपको दिमाग में पहले क्लिक करे जो भी पहले क्लिक करे ये बताओ चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था सर आ रहा है समझ में अच्छे से शिवेंद्र वेरी गुड समझ में आ रहा है मानवी गुप्ता वेरी गुड सबको समझ में आ रहा है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके लिए टफ़ क्वेश्चन ना हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कंफर्म करो टफ़ तो नहीं हो रहा है ना देखो तो यार टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन करो क्या एकदम बच्चे वाले तो आते भी नहीं है ये देखो सारे आईबीपीएस पी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो वही मैं सिखा रहा हूँ आपको दिमाग चलाना सीखो अपना चलो ट्वेंटी आ गया चेतन वेरी गुड बेसिक टू पीओ लेवल हां जी ठीक है तो क्वेश्चन का यही फंडा आई है बेसिक टू पीओ लेवल क्या पूछ रहे थे 28 आ रहा है ठीक है चेतन का आ रहा है और का आ रहा है ट्वेंटी एट मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ठीक है तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं कहेंगे और ईजी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ईजी लगाने कोई फ़ायदा नहीं है थोड़ा सा टफ आपको हल्का फुल्का करना पड़ेगा ठीक है ट्वेंटी एट आर सबका ट्वेंटी एट आ है चलो करते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है आई बी बी एस पी ओ का आए हुआ क्वेश्चन है एक बोट है आठ घंटे लेती है ठीक है टू कवर डिस्टेंस वाइल्ड ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम और छः घंटे लेती है डाउन स्ट्रीम सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम रेशियो दिया हुआ है अप स्ट्रीम और डाइन डाउन डाइन कह रहा हूँ डाउन स्ट्रीम का टाइम रेशियो दिया हुआ है तो भाई अप स्ट्रीम में लगे आठ घंटे और डाउन स्ट्रीम में लगे छः घंटे मैंने आपको सिखाया है कि अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम रेशियो ये होता है तो स्पीड रेशियो क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है तो सिक्स इज टू एट हो जाएगा इसको आप टू से काट दो तो टू थ्री जा टू फोर जाए यहाँ तक तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा सब क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़ते हैं इफ द स्पीड ऑफ़ करंट इज सिक्स फॉर द स्पीड ऑफ बोट आप मुझे एक बात बताओ मैंने आपको फिर से बताया था एक बार कि स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट दोनों को यू और डी से निकाला जा सकता है आपको अगर याद हो स्पीड ऑफ करंट मैंने सिखाया था क्या होता है डी माइनस यू बाई टू याद है यही था ना स्पीड ऑफ करंट यही होता है ठीक है तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर एक्चुअल वेल्ट नहीं दी है लेकिन रेशियो दिया हुआ है हमको तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत ध्यान से बनना तो d माइनस यू मतलब फोर माइनस थ्री बाई टू मतलब कि वन बाई टू यूनिट ये रेशियो है तो वन बाई टू यूनिट मुझे दी हुई है कितनी चार किलोमीटर पर आर कितनी दी हुई है चार किलोमीटर पर आर अब मुझे एक बात बताओ अगर वन बाई टू जो है चार किलोमीटर पर आर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी चार दूनी आठ मतलब एट किलोमीटर पर आवर ठीक है तो एक रेशियो एक ही रेशियो यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट किलोमीटर पर आर अब मुझसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ बोट अब मुझे बात बताओ बोट की स्पीड कितनी होती है भाई बोट मतलब एक्स की यू प्लस डी बाई टू यही होती है यू प्लस डी बाई टू यू प्लस डी मतलब चार प्लस तीन सात बाई टू तो सेवन बाई टू यूनिट वैल्यू मुझसे पूछी है एक यूनिट वैल्यू एट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन बाई टू इंटू एट टू फोर जो सेवन फोर ट्वेंटी तभी आंसर सब बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था समझ में आ रहा है आया हाँ ना कहाँ चले गए बच्चे कैसे कम हो गए अरे टी साल बच्चे के वो भाग्य भाई क्या समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं है कैसे हैं क्वेश्चन ये आपका आई पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ये हमने रेशियो निकाल लिया यहाँ से हमने रेशियो के सिर्फ देखो रेशियो से एकदम बेसिक चीजें हम कर रहे हैं ठीक है तो वन बाई टू यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी एट ठीक है तो बोर्ड की स्पीड हमने पढ़ा है यू प्लस डी बाई टू करंट की स्पीड हमने पढ़ा है डी माइनस यू बाई टू दैट सेट समझ में आया है? हाँ ना प्लीज भैया अपना मेल और डीएम चेक करिए रिगार्डिंग वीडियो एडिटर ठीक है फातिमा मैं चेक कर लूंगा भैया पॉइंट टॉपिक के सर बहुत अच्छा है सर ठीक है कहाँ चले गए बच्चे कहाँ भाग रहे हैं भाई यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं कहाँ भाग रहे हैं सर देखिए ये आपका आई बी का दो का है वो क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में इतना लिखो क्या एग्जाम में आप कैसे करते हो पता है देखो एग्जाम में डायरेक्टली ये लिखा करो यू डी एट सिक्स फिर तुरंत रिवर्स करके थ्री फोर लिखा करो फिर अब ये सब मत फॉर्मूला मत लिखो फॉमूला आपको दिमाग में होना चाहिए ना इनका डिफरेंस लो फोर माइनस थ्री बाई टू मतलब वन बाई टू की वैल्यू फोर है तो एक की वैल्यू एट हो गई ठीक है अब यू प्लस डी बाई टू पूछा है मतलब सेवन बाई टू पूछा है तो सेवन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन बाई टू इंटू एट एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखा करो ये आपका से तीसरा लाइन में हो जाता है और उतना ही आपको टाइम वेस्ट करना होता है रिपीट करवा दो हरीश कश्यप समझ में नहीं आया अभी मैंने रिपीट किया समझ में आ गया होगा अब ये बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन टफ हो रहे हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या डिनर टाइम सर अच्छा डिनर टाइम हो गया नौ बजे तो नौ बजे मतलब फिक्स खाना खा लेते हो आप लोग नौ बजते ही खाना खाना चालू नौ से नौ एक नहीं हो सकता चलो कोई बात नहीं देखते हैं ठीक है अभी काफ़ी अभी तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आई थिंक चार पांच क्वेश्चन अभी कम से कम और होंगे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ अभी तो आठ नौ क्वेश्चन है यार जल्दी से करो स्लो पढ़ाइए सर दिलीप आ, फास्ट हो रहा है क्या थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या नो सर एग्ज़ाम फोरना है सर ठीक है हो रहा है टफ तो यार ईमानदारी से बताओ प्लीज एक बार तो टफ लग रहा है क्या टफ चल रहा है क्या क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन टफ चल रहे हैं क्या प्लीज एक बार कंफर्म करिए क्वेश्चन का लेवल टफ तो नहीं है ना सिक्स सिक्स आंसर आ रहा है इसका आपका तरीका सही है बुक के सोल्यूशन को समझ में नहीं आते ठीक है ये समझ में आ रहा है वो तरीका समझ में आ रहा है चलो नहीं विजय भाई तरंग अग्रवाल चलो क्वेश्चन सही है ना मॉडरेट हैं सर नहीं ठीक है मॉडरेट तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा चलो मैं हल करके समझाऊंगा अभी बहुत फास्ट नहीं चलूंगा मेरे ख्याल से फास्ट थोड़ा हो गया होगा <coughs> देखते हैं इधर देखिए ध्यान से एक मैन है हु कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ आठ किलोमीटर वाटर ठीक है स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है देखिए मैं फिर से बता दूँ चाहे बोट हो चाहे आदमी हो उससे मतलब नहीं होता आदमी है स्विमिंग करेगा बोट है चलेगी तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे आदमी के बदलने से क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा तो ये एट का क्या दिया है मुझे एक्स दिया है जो बोट की स्पीड होती है वही यहाँ पे आदमी की स्पीड है ठीक है ना इट कवर्स एट सर्टन डिस्टेंस अप स्ट्रीम ओके अप स्ट्रीम में जा रहा है देन कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ फोर किलोमीटर पर आज देन फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी ये बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुझे एक बात बताओ दो पॉइंट हैं ए और बी दो पॉइंट हैं ठीक है थीके? तो पहले वो जाता है अपस्ट्रीम में ये यहां से यहां गया अपस्ट्रीम में तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर वो अपस्ट्रीम में जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम में आएगा सर मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूं प्लीज राजा एक मिनट के मैं बता रहा हूं अपस्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में आएगा तो बी से ए वापस आएगा वो किस में डाउन स्ट्रीम में चलिए अब मुझे एक बात बताइए जब वो अपस्ट्रीम में जाएगा उसकी स्पीड कितनी होगी उसकी स्पीड होगी क्या होगी मैन की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड भाई यही होता है ना यू का फॉमला क्या होता है मुझे बात बताओ एक्स माइनस वाई होता है भाई यू का फॉर्मला क्या होता है बोर्ड की स्पीड या फिर आदमी की स्पीड माइनस करंट की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड ये हो जाएगा एट माइनस फोर मतलब फोर ये आ गया U अच्छा D कितना होगा X प्लस वाई ये हो जाएगा आपका एट प्लस फोर मतलब कि ट्वेल्व हो जाएगा तो डी आ गया ठीक है अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया मुझे एक बात बताओ कि जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो ये जाने की स्पीड मान लो अगर ए है आने की स्पीड मान लो अगर बी है तो एवरेज स्पीड कितनी होती है वही पूछा ना मुझसे एवरेज स्पीड पूछा है ना तो एवरेज स्पीड कितनी होती है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी ये हमने पिछले क्लास में ही एवरेज स्पीड वाले क्लास में डिस्कस किया था ठीक है तो यह बहुत सिंपल है तो यार तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या लिखोगे टू यू डी अपॉन यू प्लस डी ठीक है कितना आ जाएगा टू इंटू फोर इंटू एट अपॉन सॉरी एट नहीं ट्वेल्व यहाँ पे ट्वेल्व आएगा और फोर प्लस ट्वेल्व मतलब सोलह फोर फोर जा हो जाता है टू टू ज़ा हो जाता है और टू सिक्स जा हो जाता है तो सिक्स आंसर आपका आ जाएगा सबका आ गया सिक्स आ रहा है ठीक है रिशि कुछ नहीं बेचेगा भाई टाइम आने पर सब पढ़ाएंगे डोंट वरी ये समझ आ रहा है इधर देखो आई बी का क्वेश्चन ये करेंगे पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया काफ़ी आसान क्वेश्चन था एकदम बेसिक क्वेश्चन था और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का एवरेज स्पीड होता है टू यू डी अपॉन यू प्लस डी इस चीज़ को आप रट लो चाहे दिमाग में बैठा लो ठीक है मैं यहाँ पे लिखा भी था मैंने ये वाले में इसमें ठीक है यहाँ पे तो स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसका एवरेज ये होता है टू यू डी अपॉन यू प्लस डी चलो ये बनाओ जल्दी से काफी अच्छा क्वेश्चन है 2019 का आईबीपीएस पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है चलो अब अगले क्वेश्चन से तो जो है ना आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे देखना कुछ नया नया मिलेगा उमा शंकर कुछ पढ़े रहे बाकी कॉलेज एंजॉय करो शिवम पांडे हमारा भी नाम ले लो भैया Uh, क्या नाम आपका अलमान ला बीबी अलमा अलमान लाना अलमान लाना हबी अलमान लाना हबीबी ओके अलमान लाना हबीबी हमारे साथ जुड़ गए हैं हबीबी हाउ आर यू चलिए समझ में आ गया चलो चलो, चलो जल्दी से समझते रहो बढ़िया से मुझे बताओ इसका आंसर बताओ लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके आई बी पी एस दो हजार उन्नीस का आए क्वेश्चन है जब सभी लोग परेशान थे दुनिया कहे चलेगी तब ये आई बी पी एस वाले क्वेश्चन बना रहे थे चलो एक मुझे आपका ये लिखना है <coughs> सॉरी आंसर फोर आ रहा है वेरी गुड चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी वेरी गुड वेरी गुड विजय भाई मॉक दो या एग्जाम आई तब मॉक दो अभी आप हफ्ते में एक मॉक दो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हफ्ते में एक या दो मॉक दो बहुत है ठीक है चलिए इसका आंसर आया देखते हैं जिनका नहीं आया है तो भाई स्पीड ऑफ बोट मुझे दिया है वाटर में मतलब एक्स दिया हुआ है स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई दिया हुआ है इफ अ बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी रिटर्न फ्रॉम बे टू ए ये सेम क्वेश्चन है क्या सर कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ए है बी है जाता है और आता है आ, ये ट्वेंटी है ठीक है टोटल टाइम दिया हुआ है टोटल टाइम दिया हुआ है मुझे फाइव आवर्स ट्वेंटी मिनट ठीक है पूछा टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ डेंट यार ये हो जाएगा अभी है. हमने इसी कॉन्सेट पे क्वेश्चन किया था आपको याद होगा अगर अभी इसी कॉन्सर्ट पे हमने क्वेश्चन किया था फोर आंसर आ रहा है लोगों का ठीक है हमने क्या किया था मुझे एक बात बताओ जब वो जाएगा ठीक है तो मान लेते हैं अपस्ट्रीम से जा रहा है ठीक है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी एक्स माइनस वाई तो जाएगा पंद्रह की, की स्पीड से ठीक है डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भाई मुझे एक बात बताओ एक्स प्लस वाई पच्चीस की स्पीड से जाएगा वापस तो जब ए से बी जाएगा पंद्रह की स्पीड से बी से ए जाएगा पच्चीस की स्पीड से और मुझे क्या दिया हुआ है टोटल तो टाइम दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताओ मैं इनके स्पीड का रेशियो लिख लूँ क्या मैं इनके स्पीड का अगर रेशियो लिखूँ स्पीड का अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कितना हो जाएगा पंद्रह और पच्चीस ठीक है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो होता है उनके टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है उल्टा हो जाता है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा पच्चीस और पंद्रह इसको आप पाँच से काट दो तो फाइव और थ्री अब आप ध्यान से देखो अपस्ट्रीम का कितना टाइम है फाइव यूनिट डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है भाई को तीन यूनिट

टाइम टेकन बाय पूछा है बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम मुझे बात बताओ बहुत ध्यान समझना बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में कैच है जल्दी करेंगे कैच है सर बिग फैन फोर्टी देखो इधर देखो मुझे बात समझाओ एबी डाउन स्ट्रीम मतलब इधर इधर जब वो जा रहा है तो ट्वाइस डिस्टेंस कवर करेगा मुझे एक बात बताओ अगर B से जब A जा रहा है बहुत ध्यान समझिएगा कि B से A जब जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है ये है ये डाउन स्ट्रीम टाइम थ्री यूनिट बहुत ध्यान समझना थ्री यूनिट कुछ गलत कर रहे हैं क्या थ्री यूनिट होगा ना हाँ ठीक है तो थ्री यूनिट लगेगा तो थ्री इंटू एटी सॉरी ये फोर्टी आएगा ना हाँ फोर्टी आएगा ठीक है तो थ्री इंटू फोर्टी कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी मिनट ठीक है वन ट्वेंटी मिनट अब बहुत ध्यान समझिएगा अगर कोई बंदा कोई बंदा अगर ए भी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है वन ट्वेंटी मिनट्स में तो उसकी डबल डिस्टेंस उसके डबल टाइम में कवर करेगा इतना समझ में आता है भाई कोई बंदा अगर एक सौ बीस मिनट में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी डबल डिस्टेंस डबल टाइम लगेगा तो एक सौ बीस इंटू टू करेंगे कितना हो जाएगा टू फोर्टी मिनट्स उसको लगेंगे सो टू फोर्टी मिनट्स लगेंगे उसको और टू फोर्टी मिनट्स का मतलब कितना होता है चार घंटा होता है ये आपका आंसर है समझ में आ गया क्लियर है सर मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ तो मैं क्या आ एग्जाम अगस्त में दे पाऊंगा या क्या फिफ्थ सेमेस्टर में है तो आप मुश्किल होगा ना सिक्स सेमेस्टर आ जाएगा फिर आपका और अभी आप फिफ्थ में हैं फिफ्थ कैसे चल रहा है भाई आपका सिक्स चलना चाहिए ना इस टाइम तो मार्च में सिक्स चलता है ना मुश्किल है फिफ्थ में मुश्किल है बेटा सही उधर मैं फेवरेट टीचर ऑल द टाइम थैंक यू दोस्त थैंक यू सो मच क्या समझ में आया अगर नहीं समझ आया मैं फिर से रिपीट कर दूं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है देखिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है मैं इसको एक काम करूं ए उधर बना दूं बी उधर बना दूं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है मैं इधर ए बनाता हूं क्योंकि ए से बी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना ए मान लो इधर ए बी इधर मान लो ठीक है तो हो क्या रहा है कि बोर्ड की स्पीड दी है करंट की स्पीड दी है एक बोर्ड जाती है ए से बी वापस आती है बी से तो ए, लग, तो ए से बी जाती है बी से ए आती है मतलब सॉरी ऐसे ही रहने दो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है तो ए से बी जाती है बी से ए आती है टोटल टाइम लगता है पाँच घंटे बीस मिनट टोटल तो टाइम कितना लगता है पाँच घंटे बीस मिनट लगता है थोड़ा ध्यान समझ लो बेटा ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा टफ है लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं आप कोई भी अवेलेबल उठाकर देख लो पेपर आपका ऐसे ही आएगा बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं चाहूँ तो आपको चार बच्चे वाले क्वेश्चन करा दूँ आपसे आपको लगेगा बहुत अच्छा है लेकिन आपको लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं ठीक तो है तो यहां पर समझिए तो ये क्या हो रहा है अब मुझे एक बात बताइए जब ये जाएगा तो अप स्ट्रीम में हम मानते हैं मान लीजिए जाएगा ए से भी मालीजिए अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी x माइनस वाई तो बीस माइनस पांच पंद्रह कर दिया डाउन स्ट्रीम में कितना आएगा बीस प्लस पांच पच्चीस कर दिया मैंने टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है पांच घंटे बीस मिनट भाई पांच घंटे मतलब कितना होता है तीन सौ मिनट और बीस मिनट और तो टोटल अगर टाइम देखा जाए तो तीन सौ बीस मिनट दिया हुआ है ठीक है अब स्पीड का रेशियो कितना है यू इस टू डी ये मैं स्पीड का रेशियो क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या उनका टाइम का रेशियो नहीं लिख सकते मैंने आपको फिर से बताया था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का अगर आप टोटल टाइम का रेशियो लिखना चाहते हैं तो आप इनकी स्पीड का रेशियो लिख लो तो स्पीड का रेशियो कितना है पंद्रह और पच्चीस तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा उल्टा हो जाता है पच्चीस और पंद्रह तो इसको आप काट दो पाँच और तीन लेकिन यही टोटल टाइम मुझे पाँच प्लस तीन मुझे दिया हुआ है तीन सौ बीस यूनिट हमने यहाँ सॉल्व कर लिया कि जो एक यूनिट रेशियो है रेशियो मतलब नहीं रेशियो रेशियो जो एक यूनिट रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी चालीस मिनट अगर एक यूनिट रेशियो की वैल्यू चालीस मिनट है ठीक है तो यहां से तीन यूनिट रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी चालीस इंटू तीन एक सौ बीस मिनट आप बोलो भाई तीन को क्यों निकाल रहे हो तीन का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम में हमको डाउन स्ट्रीम का पूछा था, था ना हमको डाउन स्ट्रीम का ही पूछा था, था ना सर एक बार पांच आवर बीस मिनट को कन्वर्ट कैसे करना होगा रमनदीप पूछ रहे हैं देखिए इसलिए मैं सोचता हूँ लिख लिया करूँ देखिए फाइव आवर ट्वेंटी मिनट्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक आवर में कितने होते हैं सिक्सटी मिनट होते हैं ठीक है तो भाई पाँच आवर में कितने हो जाएंगे फाइव इंटू सिक्सटी और प्लस ट्वेंटी मिनट्स और ठीक है तो छः पंचे तीस तीन सौ और प्लस बीस सो तो ये हो जाएगा तीन सौ बीस मिनट अभी ठीक है अभी समझ में आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमने कर लिया यार आप लोग क्या कर रहे हो ऐसी बातें कर रहे हो क्या आप लोग ठीक है ठीक चलिए ये हो गया तो हमने क्या निकाला बहुत ध्यान से एक यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ये निकाल लिया कि डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए भाई साहब को 120 मिनट लगते हैं डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए भाई साहब को 120 मिनट लगते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक बात ये पूछी थी कि आप टाइम निकालो बोट का कि वो ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कवर करे मतलब कि धारा के अनुकूल ए बी की दुगनी दूरी तय करने के लिए तो दोगुनी दूरी कब तय करेगा दोगुनी दूरी मुझे एक बात बताओ अगर वो कोई दूरी को कवर कर रहा है एक सौ बीस मिनट में तो दुगनी दूरी को दुगने टाइम में कवर करेगा क्योंकि स्पीड तो कॉन्स्टेंट है ना भाई अगर गति कॉन्स्टेंट है तो गति जो है सेम है बराबर है तो डिस्टेंस डबल होगी तो टाइम भी डबल हो जाएगा ये बात समझ में आती है वही मैंने यहाँ पे किया है तो जो पहले वो डाउन स्ट्रीम के लिए 120 मिनट ले रहा था अब वो डबल डिस्टेंस के लिए डबल टाइम लेगा तो 120 मिनट का डबल कितना हो जाएगा 240 मिनट मतलब कि चार घंटा ठीक है अगला बनाइए ये करिए अच्छा क्वेश्चन है न? समझ में नहीं आ रहा है क्या रमनदीप भाई समझ में आ गया देखिए थोड़ा सा मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे हम ना थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और चीज़ों को मैं जल्दी कर रहा हूँ बच्चे आप काफ़ी बेसिक से आप लोग चूँकि सीख रहे हैं तो अब मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे समझाऊंगा हाँ जी सर समझ में आ गया प्रियंका अर्पिता पिता हाँ सर समझ में आ गया तो पढ़ाई छोड़ दो एक एक कंपटीशन कम हो जाएगा बने। क्या बातें कर रहे हो भाई आप लोग क्यों किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो पढ़ाई छोड़ दो क्या बातें कर रहे हो भाई चलो नाम में ही इंटरेस्ट है हल्का रहा क्या क्या, -क्या, -क्या बातें करते हो तो भाई? भाई आप लोग भाई भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता पढ़ाई बोरिंग लगती है क्या करूँ <laughs> तो पढ़ाई किसको अच्छी लगती भाई बोरिंग काम तो करने के लिए हम लोग जिंदगी में हाँ आए हैं आप किसी को उठा के देख लो कोई इंटरेस्टिंग काम करता है क्या हर कोई तो बोरिंग काम करता है ना डिसिप्लिन में रहना बेटा बोरिंग तो है तो बोरिंग काम करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत सिंपल सी चीज़ है ये मान लो कि पढ़ाई बोरिंग है ठीक है अब उसको चूंकि आपको करना है ये मजबूरी है आपकी अब करना है तो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो चीज़ों को सीखो विजुलाइज तरीके सीखो क्लास देखो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डालो मैं फिर से बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता तो आप नॉवेल्स पढ़ लो अच्छी अच्छी नॉवेल्स उठाओ कहानी के फॉर्म में पढ़ोगे भी पढ़ने में मज़ा भी आएगा सिमिलरली मैथ्स तो मैथ्स पढ़ने यहाँ आ जाया करो दो चार बातें हम लोग करते हैं और पढ़ाई करते हैं ठीक है ऐसे रीजनिंग रीजनिंग में पजल्स लगाओ पजल्स लगाओगे लगा। तो अपने आप ही दिमाग चलता रहेगा ठीक है चलो आंसर आ रहा है नौ घंटे तीस मिनट कहाँ गए भाई ये सबका आ रहा है बनाया जाए क्वेश्चन को मोटिवेशन थैंक यू भाई समझ so, तो में आ रहा है देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, ए बी दिया हुआ है, मुझे ए 228. दो बी दे ता ये देखो ए है यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट और आएगा जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ए और बीच बीच की दूरी कितनी है दो किलोमीटर ठीक है दो नाव हैं एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है बहुत ध्यान समझिएगा बच्चा एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वन इन अपस्ट्रीम ठीक है बहुत ध्यान से ये कि एक जो है अपस्ट्रीम में चलती है और दूसरा डाउन स्ट्रीम में तो दूसरी डाउन स्ट्रीम में चल रही है और पहली अपस्ट्रीम में चल रही है ठीक है इफ दे आर स्पीड इन स्टिल वाटर तो दोनों का एक्स एक्स दिया है दोनों का एक्स एक्स दिया है ठीक है तो आ, ये दिया है और ये मैं एक चीज मानता हूं बहुत ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान समझिएगा तो इनका भी एक्स दिया है मतलब इनकी भी जो है आ, एक ही हाँ इसकी खुद की स्पीड दी हुई है इसकी खुद की स्पीड दी हुई है लेकिन मुझे एक बात बताओ इसकी मुझे अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा इनकी खुद की स्पीड मतलब 8.7 माइनस अब करंट की जो स्पीड है ना मैं मान रहा हूँ लेट अजूम कर रहा हूँ मान लीजिए मान लीजिए लीजिए कैसे लिखते हैं मान लीजिए ठीक है आपका जो करंट का स्पीड है वो कितना है वाई वाई मान ले रहा हूँ मैं ठीक है वाई समझ में आता है भाई जो करंट का स्पीड है मान लेना है वाई है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी एक्स माइनस वाई ठीक है अच्छा इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी भाई कितनी है फिफ्टीन पॉइंट थ्री प्लस वाई वाई क्या है करंट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड धारा का गति धारा की गति है ना ये ठीक है इतना क्लियर है यहां तक क्लियर है अब हो क्या रहा है पूछा कि देन इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ठीक है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड याद है तो मैंने आपको ये बताया जैसे मान लो कोई बीच की दूरी है कोई दूरी है और एक बंदा इधर से आ रहा है एक बंदा इधर से आ रहा है ठीक है बहुत ध्यान समझिएगा एक बंदा इधर से आ रहा है एक बंदा इधर से आ रहा है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी ए प्लस बी दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड ठीक है क्योंकि स्पीड जुड़ जाएगी ना स्पीड ज़्यादा होगी ना तभी टाइम कम लगेगा ये बात समझ में आती है ठीक है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी इसका मतलब जो इधर यू की स्पीड है जो इधर डी की स्पीड दोनों स्पीड जुड़ जाएगी अब मुझसे पूछा क्या है टाइम तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन बहुत ध्यान से बनना डिस्टेंस कितनी है दो अपॉन यू प्लस डी जो उसकी स्पीड है वह अपस्ट्रीम से आ रहा है उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम से आ रहा है लेकिन दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी क्या है बात समझ में आ रही है आप लोग को जुड़ जाएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे सो टू अपॉन इसको लिखो जरा एट पॉइंट सेवन माइनस वाई प्लस फिफ्टीन पॉइंट थ्री प्लस वाई ठीक है ठीक है अभी हो जाएगा दो सौ अट्ठाईस ध्यान यहाँ से आप ध्यान धा, रखो वाई वाई कट जाएगा ठीक है तो ये कितना बचेगा एट पॉइंट सेवन में पंद्रह जोड़ेंगे तो पंद्रह और आठ होता है तेईस पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री होता है आपका वन तो तेईस प्लस वन चौबीस ये वैल्यू हो जाएगी चौबीस अब चौबीस से काटने की कोशिश करें चौबीस से कटे क्या चौबीस से कटेगा ये नौ बार जाएगा क्या या फिर चौबीस टंजा कितना होता है चौबीस टंजा होता है टू फोर्टी होता है ठीक है तो टू फोर्टी में माइनस करना है आपको बारह ठीक है तो ये हो जाएगा आपका टेन माइनस बारह बाई चौबीस कितना होता है पॉइंट फाइव तो साढ़े नौ मतलब कि साढ़े नौ घंटे लगेंगे भाई को पूरा जर्नी दोनों को मिलने में ठीक है तो दोनों कब मिलते हैं साढ़े नौ घंटे पर क्या समझ में आ गया रिलेटिव स्पीड याद है जिसको याद नहीं मैं आप समझा दे रहा हूँ रिलेटिव स्पीड मैंने पिछले का डिस्कस किया था रिलेटिव so, स्पीड में क्या होता है कि मान लो दो बंदे हैं ठीक है थीके? एक इधर से आ रहा है एक्स की स्पीड से एक इधर से आ रहा है वाई की स्पीड से और टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ पे डी है ठीक है तो जो टाइम होता है वो क्या होता है ध्यान से बनना डी अपॉन एक्स प्लस वाई क्यों क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर कितना चलेंगे डी चलेंगे दोनों मिलकर कितना चलेंगे डी चलेंगे और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी चूँकि पास में आ रहा है आप खुद सोचो ना भाई रिलेटिव स्पीड में स्पीड यहाँ जुड़ती है जब वो पास आते हैं क्यों जब स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा और जब ऐसे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी सेम डायरेक्शन में तभी घटती है ठीक है समझ में आ गया प्लीज़ हाँ ना बताएंगे चलो ये बताइए ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके बाद कुछ हम करते हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच क्वेश्चन और जल्दी जल्दी पाँच क्वेश्चन अभी और, और हैं सो कोशिश ये है कि आपको डेढ़ घंटे के आसपास पास जहाँ तक क्लास खत्म हो जानी चाहिए हो जाएगी इस टाइम कौन कर रहा है भाई बेटा प्रियांशु आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है आप इस टाइम मत करिए प्लीज़ चलिए ये बताइए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आ, ये क्वेश्चन आसान है यार काफ़ी आसान क्वेश्चन है हमने अभी, अभी 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 पढ़ा था ये ये जल्दी से बताओ इसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए बहुत जल्दी आना चाहिए इसका आंसर फास्ट इसका आंसर बहुत फ़ास्ट आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं रिलेटिव स्पीड और सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं मैंने आपको ट्रेन वाले बताया। में बताया जब हमने ट्रेन वाला पढ़ा था तो ट्रेन में ये करते हैं जब ट्रेन सामने से आती हैं तो दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं ठीक है चलिए भैया वी शुड द ऑनगोइंग टॉपिक क्वेश्चन और लास्ट चैप्टर टॉपिक्स नॉट कम्प्लीटेड नमिता पट्टाय दोनों करो ना क्या दिक्कत है एक टाइम पे क्या दोनों टॉपिक नहीं कर सकते जैसे मान लो ये चल रहा है तो पहले आप इसके क्वेश्चन करो साथ ही साथ आप जो देखो ऐसा समझाता हूँ मैं आपको कभी समझाऊंगा चलो तो मुझे याद लगाना कि कैसे करते हैं रिवाइज कैसे एक टाइम पे दस चैप्टर को पढ़ाई करते हैं तो जैसे आप ये कर रहे हो तो आपका दिन में दो स्लॉट होना चाहिए एक तो आपने ये किया मान लो दो तीन घंटे या फिर नेक्स्ट डे कर सकते हो आप और एक टाइम आपका ये होना चाहिए कि आप जो पिछले किए थे ना सारे उनके क्वेश्चन समझ में आया जैसे मान लो पिछले तीन चैप्टर हुए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो तो प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज के रेशियो के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन उनके भी करेंगे वरना भूल जाओगे ठीक है चलो चलिए लेफ्ट फ्रॉम कोलकाता प्रतिम क्या ना नाम है प्रतिम घोष चलिए वेरी गुड ये किसका आंसर आया कितना आया फिफ्टी सेवन सेवन आ रहा है ठीक है सबका आ रहा है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ जो सबसे बेसिक बच्चे हैं जो एकदम नए हैं वो आंसर करें क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सबको समझ में आ जाएगा शिवम पांडे सब तेज़ बच्चे हो गए हैं बहुत तेज़ बच्चे हो गए लड़के हो गए हैं रिविजन स्ट्रैटेजी की वीडियो हाँ बनाएंगे रिविजन बनाएंगे वही मैं कह रहा था चलिए रमनदीप सिंह का भी आंसर आ गया वेरी गुड रमनदीप ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं एक बोट है अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है कुछ दिया हुआ है अच्छा और डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है मैंने अभी आपको सिखाया था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टाइम का रेशियो दिया हुआ है थोड़ा मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये चार घंटे इसको लिख लेते हैं देखिए चार घंटे फोर्टी एट मिनट मैं लिख देता हूँ वरना ना कन्फ्यूज आओगे ठीक है इसको मैं कर लेता हूँ आवर्स में या फिर मिनट्स में कर लो कैसे भी कर लो मैं कर लेता हूँ आवर्स में तो 48 में को हम लिखेंगे 48 एट बाई सिक्सटी ठीक है इसको हम काटेंगे 12 से 12 फोर जा होता है 12 फाइव जा होता है तो 4 फोर बाई फाइव अब इसका फ्रैक्शन कितना आएगा पाँच चौके बीस प्लस फोर ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई फाइव ठीक है ट्वेंटी फोर बाई फाइव हो गया फिर ये कितना है भाई थ्री आवर्स फोर्टी फाइव मिनट ठीक है यह हो जाएगा थ्री फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी फिफ्टीन से काट दो फिफ्टीन थ्री जा फिफ्टीन फोर जा भाई चार तारीख बारह प्लस तीन पंद्रह फिफ्टीन बाई फोर ठीक है फिफ्टीन बाई फोर इतना में आ गया इतना समझ में आ गया बहुत बेसिक चीज़ है इसको मैं डाल रहा हूं ठीक है चलो अब इसको आपको पता कैसे करते हैं इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ट्वेंटी फोर फोर जाएगा नाइन्टी सिक्स और फिफ्टीन फाइव जाएगा सेवेंटी फाइव ये आ गया टाइम का रेशियो और मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग से लेके अभी तक हजारों रुपये बता चुका हूं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो उसका ही रिवर्स हो जाता है तो इसको रिवर्स कर दिए इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा सेवेंटी फाइव और नाइन्टी सिक्स ये आ गया ठीक है अब आगे क्या पूछा है मुझसे कि वॉट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करेंट ईजी है भाई हमने अभी सीखा है आप अगर ध्यान से दो हमने क्या सीखा था मुझसे क्या पूछा है मुझसे पूछा है वो एक्स इज टू वाई भाई x होता क्या है x होता क्या है d प्लस यू बाई टू अच्छा ये होता है डी माइनस यू बाई टू ठीक है टू से टू काट दो तो डी प्लस यू मतलब एक बार जोड़ना है इनको छः पाँच ग्यारह नौ सात सोलह एक सत्रह वन सेवेंटी वन एज टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा सेवेंटी वन ठीक है सॉरी कितना आएगा ट्वेंटी uh, वन अब ये काट दो थ्री से काटे क्या थ्री से काट दो इसको थ्री फाइव फिफ्टीन थ्री सेवन जी ट्वेंटी वन थ्री सेवन जी ट्वेंटी वन ये आ गया ठीक है प्लीज हाँ या ना ओके आई एम वॉचिंग योर रिकॉर्डेड वीडियोज डेली रूटीन लव फ्रॉम तमिलनाडु थैंक यू ब्रो थैंक यू थैंक यू सो मच समझ में आ रहा है सोनी कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है बस देखे जा रही हूँ सोनी आप पीछे से देखो ना अगर आपने स्टार्टिंग का मिस कर दिया तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोली फिर से बोल रहा हूँ कि टाइम अप स्ट्रीम में टाइम का जो रेशियो होता है स्पीड का रिवर्स रेशियो होता है बस मैंने वही लगाया है कुछ भी नया नहीं किया ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से चलिए कोई और ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई और ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड अब दो तीन ना बड़े से क्वेश्चन है अब अगले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा 1 2 3 4 चलो जल्दी 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 करो अभी चार क्वेश्चन के बाद और है। मतलब टोटल पांच क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए लीजिए थोड़ा फास्ट करेंगे अभी वेरी गुड छह डॉक्टर बोल रही हैं सर सुबह से ही नहीं सुनने आप समझ में आया क्या हो रहा है हरीश कश्यप <laughs> आप समझ में आए <laughs> थोड़ा आज मैंने तेज पढ़ा दिया कि क्या हो गया बहुत फास्ट चले गया क्या आज चलो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस चीज़ का अरे कई बार फ्लो फ्लो में हो जाता है ना प्लीज थोड़ा सा बताओ मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अभिषेक दास गुप्ता तो अभिषेक अभी तो क्लास कर रहे हैं ना क्लास के बाद बताते हैं ठीक है चलो 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 वेरी गुड आई एम फ्रॉम वडोदरा वेरी गुड घूमने गया हूं एक बार कितना आंसर आया किसी का आंसर नहीं आया ना किसी का आंसर तो आना चाहिए यार जल्दी से बताओ ना ले फ्रॉम दीमापुर वेरी गुड दीमापुर कहाँ है आपका सलमा खातून बताएंगी आप बताएंगे या फिर आप ट्वेंटी थ्री आ रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आ रहा है ठीक है चलिए किया जाए देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के एक बोट है एक सौ बारह किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इलेवन पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन काफी ही अच्छा है क्योंकि क्योंकि समझाते हैं देखो हो क्या रहा है एक बोट है वो पहले जाती है डाउन स्ट्रीम में एक सौ बारह किलोमीटर ठीक है और कम्स बैक टू तो द स्टार्टिंग पॉइंट वापस भी आती है ठीक है तो ये कॉमन सेंस है ये आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो वो आएंगी अपस्ट्रीम में ठीक है अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो आएगी अपस्ट्रीम में ठीक है टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है कितना अलेवन पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है तो मुझसे पूछा क्या है इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज नाइन ओके देन द स्पीड ऑफ द बोट ठीक है अब मुझे बात बताओ इसको एक तरीका यह है कि हम ऐसे लिख लें देखो भाई मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है ना टोटल टाइम क्या होगा यहां का टाइम प्लस यहां का टाइम तो जब डाउन स्ट्रीम का टाइम लिखते हैं तो 112 112 एक अपॉन बारह डाउन स्ट्रीम प्लस एक अपॉन बारह अपऑन अप स्ट्रीम टू कितना है ये अलेवन पॉइंट फाइव एक तरीका ये है ठीक है mm. डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी मुझे बताओ जरा भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है डाउन mm. स्ट्रीम की स्पीड होती है आपकी mm. बोट की स्पीड जो कि नहीं पता एक्स मान लेते हैं और ये नाइन ठीक है ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस नाइन लिखें क्या लिखें प्लस नाइन ठीक है ये हो जाएगा एक्स माइनस नाइन और ये हो जाएगा मेरा अलेवन पॉइंट फाइव ठीक है अब देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को ना जब भी ऐसे बहुत टफ लग रहे हैं क्वेश्चन मनप्रीत कौर नहीं मनप्रीत ये क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए देखे बात आप समझो प्लीज थोड़ा मुझे लगा था कि आप लोग का ये रिएक्शन आएगा टाइम बोट एंड स्ट्रीम में ना बोट एंड स्ट्रीम में अभी टफ क्वेश्चन आपको आगे दिखेगा आईबीपीएस पीओ का आरबीआई कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है इससे आसान मतलब क्या ही देगा बार बार वो आपको स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम फुल्का बढ़ेगा ठीक है चलो इधर देखो तो अब देखिए एक बात ये क्वेश्चन ये इस टाइप को कैसे करते हैं जैसे मान लो कभी आपकी ऐसी आ जाए तो देखो सिंपल सी बात ये है कि यहां से अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन अगर आप कॉर्टिक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए ना तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी पूरा एग्जाम हो जाएगा दो तीन घंटे का बच्चे घर पर आ जाएंगे और तो आप सॉल्व करते रहोगे तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस पुटिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं इसको सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है किससे करने का ऑप्शन से ठीक है अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या रखा जाए जिससे कि आंसर आ जाए अब देखिए बहुत ध्यान समझते हैं कि ऑप्शन सोचते हैं पहले मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन सेवनटीन पहले है तो पहले लोवेस्ट वाला रख के देखते हैं ठीक है बहुत ध्यान सुनना बच्चों कैसे ऑप्शन पुट करते हैं यहाँ सेवनटीन पुट करो जरा जब आप यहाँ 17 पुट करोगे तो सेवनटीन माइनस नाइन कितना आएगा एट आएगा तो एक सौ बारह अपॉन आठ तो आप ध्यान से देखो तो फोर्टीन तो यहीं आ गया अगर फोर्टीन यहां आ गया तो फोर्टीन में कुछ प्लस करेंगे तो एलेवन पॉइंट फाइव कभी नहीं आना तो मतलब आंसर 17 नहीं आएगा सेवनटीन मैंने पुट किया एक्स में सेवेंटीन माइनस नाइन हुआ एट एक सौ बारह अपॉन आठ हुआ एक सौ सॉरी फोर्टीन तो फोर्टीन प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आंसर वहाँ पर एलेवन पॉइंट फाइव है तो ये समझ में आ गया कि आंसर छोटा नहीं होगा आंसर बड़ा होगा तो ये छोड़ो पहले अभी अब इन दोनों में कोई आंसर होगा ट्वेंटी चेक करके देखते हैं एक बार ट्वेंटी थ्री एक बार चेक करते हैं आप ट्वेंटी थ्री जरा यहाँ पुट करो ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन कितना होता है देखते हैं जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू ट्वेंटी थ्री तो एक सौ बारह अपॉन ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन थर्टी टू और प्लस एक सौ बारह अपॉन ट्वेंटी थ्री माइनस नाइन होता है फोर्टीन ठीक है तो फोर्टीन एट होता है ये किससे कटेगा चार से काट दो जरा या फिर सिक्सटी से काट दो डाएट? सिक्सटीन टू 16 सेवन जा सेवन बाय टू होता है थ्री पॉइंट फाइव एट प्लस थ्री पॉइंट फाइव आठ में साढ़े तीन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11.5 पॉइंट फाइव इसका मतलब ये आंसर सही है आपका जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लोग बता रहे थे समझ में आए मेरे को आज तक ऐसा आई सी आई समझ नहीं आया आ जाएगा चिंता मत करो जब क्लास होगी समझ में आ जाएगा मनप्रीत आप कहां से हो बताओ भाई नेमिता को ग्रेट अप्रोच ठीक है तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आप मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने का तरीका बेस्ट है वरना आप अगर यहां पे कॉर्डेड क्वेश्चन निकाले बैठे आपको बहुत टाइम लग जाएगा आप एक सौ बारह लोगे एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इक्वेशन बनाओगे उससे भी हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा यहां पे आप तुरंत ही सोचो और ये चीज़ें हम मन में कर लेते हैं ना आप ऑप्शन पुट करोगे तुरंत ही आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा समझ में आए आगे बढ़ा जाए ऐसे याद आ गया अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं मेरा ना मैं आपको पता है मैं ट्यूशन जब नोएडा में रहता ट्यूशन पढ़ाता था ठीक है तो अब उसमें मैं तैयारी भी कर रहा था यह क्वेश्चन बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन है मतलब क्लास टेंथ के बोर्ड में बहुत ध्यान सुना बच्चों क्लास टेंथ के बोर्ड में यह पाँच नंबर वाले में आपको पता है दो नंबर होते हैं तीन नंबर वाले होते हैं पाँच नंबर वाले होते हैं तो क्लास टेंथ के बोर्ड में फाइव मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स रहता है अगर आपको याद हो बचपन में जिस सब टेंथ में सी बी एस ई ये बोर्ड याद आ रहा है टेंथ का सी बी एस ई बोर्ड याद आ रहा है तो टेंथ के सी बी एस ई बोर्ड में ये पाँच नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है ठीक है अब ये मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे तो ये क्वेश्चन ट्रिक्स करने आता है अब वो बच्चों को बेचारों को से करवाना पड़ता है अब वो बच्चों को जब मैं करवाता हूँ तो जब वो कर रहे थे तो बेचारे को पूरी कॉपी भरनी पड़ती क्योंकि सिंपल सी बात है पाँच नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई मानोगे निकालोगे पूरा करने में एक या दो पेज भरता है मैंने उनको ट्रिक से बताया एक लाइन में आंसर आ गया <laughs> तो अब एक लाइन में आंसर आ गया तो वो बच्चे पीछे पड़ गए कह रहे भैया आप ऐसे करके आएंगे मैंने कहा बेटा तुम अगर ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा टीचर पहली बार तो पाँच में से काट के तुमको सिर्फ एक नंबर देगा और शायद वो भी ना दे तो बोर्ड के प्रोटोकॉल्स होते हैं आप बोर्ड में ऐसे नहीं कर सकते तो वहाँ पर तरीके से डिराइव करके दिखाना ही होता है ठीक है तो मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया नहीं कि मुझे पता है कि बेसिक क्या होता है और ट्रिक क्या होती है ठीक है चलो चलो बहुत शानदार क्वेश्चन किसी का आंसर आया ट्वेंटी नाइन चेतन का आ गया कोई और किसी का आंसर आया चेतन का आंसर आ रहा है चेतन भाई क्या सेटिंग है क्या तुम्हारे इशू से सबसे पहले चेतन का आंसर आता है खट से है चेतन का ट्वेंटी नाइन और कैसे कहाम विध मी वाइल गिविंग ट्यूशंस निमय तो जो लोग यहाँ पे ट्यूशन देते हैं उनको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो बच्चे भाई पीछे पड़ गए क्या भैया हम ऐसे करके आएंगे कुछ भी कर लो मैंने कहा भाई अगर तुम ऐसे करके आओगे तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे तुम्हारी मम्मी मुझे पीटेंगी वो इतना पैसा दे रही हैं पिन वोडा में आपको पता है कि जो ट्यूशन की फ़ीस होती है काफ़ी अच्छी होती है आपको पता है <coughs> मैंने उस दिन बताया कुछ बच्चे कुछ बच्चे भाई गुस्सा हो गए थे कि आपको तीन ट्यूशन के छब्बीस हज़ार रुपये कहाँ मिल रहे थे लेकिन मैं सच बताऊँ सच में मुझे तीन ट्यूशन में करता था आराम से और तीन ट्यूशन के मुझे छब्बीस मिल रहे थे तो नोएडा में सच में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं एक मैं और पकड़ लेता तो मैं आराम से मेरी सैलरी तक का हो रहा होता है दो ट्यूशन में और मतलब ठीक है और तीन बच्चों पढ़ रहा था मैं सब ठीक है कल कोई बच्चा कहता है कह रहा है भैया हम तो बंगाल में पढ़ाते हैं बंगाल में दो हज़ार रुपये मिलता है मुझे तो बंगाल में रेट्स काफ़ी कम है चलिए ठीक है चलिए अब ये क्वेश्चन समझिए काफी कॉन्सेप्चुअल काफी ही नया कॉन्सेप्ट और काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है लेकिन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये <laughs> बोर्ड का और आपके एग्जामिनेशन का ठीक है बहुत ध्यान से समझना इसमें होता क्या है एक आदमी थर्टी नाइन किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एक सौ सो सोलह किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है टाइम दिया होता है इट्स अ बेसिकली इक्वेशन मेकिंग क्वेश्चन ये एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है कि सात घंटे में थर्टी नाइन किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और एक सौ सोलह किलोमीटर धारा के अनुकूल ठीक है तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सिंपल सा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे ठीक है तो 39 किलोमीटर जा रहा है वो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस 116 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम से तो ये टाइम प्लस ये टाइम टोटल टाइम कितना हो गया सेवन आवर्स दूसरा क्या है 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और टाइम कितना लगा एट आवर्स ठीक है तो स्पीड ऑफ बोर्ड मतलब बेसिकली मुझसे बोर्ड का स्पीड पूछा है ठीक है ठीक है इतना समझ में आ गया हिमाचल में अठारह सौ रुपये को मिलता है हरीश का शब कह रहे हैं ठीक है आसाम में पी को पंद्रह सौ देख रहे हो काफ़ी कम रेट्स हैं लेकिन नोएडा क्या है एन में आ जाता है ना मेट्रो सिटी में आ जाता है तो एन में मुंबई में और आपके पुणे में बेंगलोर में बेंगलोर में तो बहुत ज़्यादा हैं बेंगलोर में तो एक घंटे का ट्यूशन का जो चार्ज है टेंथ और टलेवन्थ के बच्चे का वो आई थिंक ग्यारह बारह हज़ार रुपये के आसपास है ग्यारह बारह हज़ार रुपये और मुझे मिलते थे मतलब सेवन टू एट थाउजेंड मतलब ऐसे सकते हो सेवन कहीं पे सात सेवन कहीं पे एट कहीं पे नाइन थाउजेंड इतना मुझे मिलता था ठीक है <laughs> तो बेंगलोर में रेट मतलब दिल्ली में रेट काफ़ी अच्छे हैं ना तभी तो गुजारा भाई नोएडा में ऐसे थोड़ी रह पाते थे चलो इसका आंसर देखो अब इसको देखो मैं एक आप बार आपको समझा दूँ इसको बेसिक से कैसे करते थे बचपन में हमको ये बताया जाता था भाई आप एक काम करो वन बाई यू को मान लो एक्स वन बाई डी को मान लो आप भाई ठीक है बहुत ध्यान समझना और दो इक्वेशन बन जाएगी थर्टी नाइन एक्स प्लस वन सिक्सटीन वाई और यहाँ बन जाएगी आपके सिक्सटी फाइव एक्स और प्लस एटी सेवन वाई याद है दो इक्वेशन बन जाएगी दो इक्वेशन दो अंड आप सॉल्व कर लोगे बच्चों के तरीके ठीक है ये तो था बोर्ड का तरीका लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे देखा देख देखते हैं जरा <coughs> देखो बहुत ध्यान सुनो बहुत ध्यान समझो अगर यहाँ पे वैल्यू सेवन आ, आ रही है यहाँ वैल्यू एट आ रही है परफेक्ट नंबर्स आ रहे हैं ठीक है जो यू की वैल्यू यहां पे होगी वही यू की वैल्यू यहां पे होगी ठीक है तो एक बात तो ये कॉमन है कि कोई सेम नंबर होगा जो थर्टी को भी काट रहा है जो सिक्सटी को भी काट रहा है कोई ऐसा सेम नंबर होगा जो कि थर्टी को भी काट रहा है और थर्टी को भी काट रहा है सिक्सटी को काट रहा है तो हम क्या करते हैं इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड तो हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं कि कुछ हम रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू पॉसिबल है ठीक है क्या वैल्यू पॉसिबल है सिमिलरली आप यहाँ कर सकते हो भाई डाउन स्ट्रीम में डी भी कोई एक ऐसी वैल्यू लोग जो कि भी काट रही है जो किसको भी काट रही है है पॉसिबल ठीक है चलो अब हमको क्या दिख रहा है सबसे पहले आप जो छोटा नंबर लोगे या फिर बड़ा नंबर लोग क्या भी लोगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है तो थर्टी नाइन और सिक्सटी फाइव में कॉमन फैक्टर क्या है तो आप एस निकाल लो थर्टीन है तो एक बार थर्टी पुट करके देखते हैं ठीक है तो यू को मैं थर्टी पुट कर रहा हूँ सिर्फ हिड एंड ट्रायल फैक्टर है ठीक है आप हैं थर्टी पुट करो जरा जब थर्टिन पुट करो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा थर्टी नाइन बाई थर्टी प्लस एक सौ सोलह बाई डी इक्व टू सेवन थर्टीन सीधा होता है थ्री उधर जाएगा सेवन माइनस थ्री होता है फोर तो बेसिकली वन वन सिक्स डी हो जाएगा मेरा फोर और आप सॉल्व करोगे तो फोर टू ज़ा फोर नाइन ज़ा तो डी की वैल्यू मिलेगी आपको ट्वेंटी नाइन आप कहो भैया इस हिडन ट्रायल में करना क्या होता है हिडन ट्रायल में करना क्या होता है कि आप यू या डी में से कोई एक वैल्यू को एज्यूम करते हो मतलब मानते हो उसको सॉल्व करके दूसरी वैल्यू निकालते हो अब जैसे मैंने यहां यू पी में आना तो मैंने डी निकाला अभी जो डी की वैल्यू यहाँ पे आई है उसको यहां पुट करके देखेंगे अगर डी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो मतलब मेरी यू की वैल्यू सही है ठीक है अगर डी की वैल्यू यहाँ पर मैंने जो भरा अगर वो आया सही है अब डी यहाँ कितना है ट्वेंटी नाइन अब मुझे यहाँ भर के चेक करना पड़ेगा क्या डी ट्वेंटी नाइन और यू थर्टीन सेटिस्फाई कर रहा है एट आ रहा है देखते हैं जरा तो सिक्सटी फाइव बाई थर्टीन और प्लस एटी सेवन बाई ट्वेंटी नाइन तो तेरह पच्चीस पैंसठ होता है और उनतीस तीस सतासी होता है तो फाइव प्लस थ्री एट आ रहा है इसका मतलब ये एट इस एट से मैच कर रहा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इसका मतलब ये हो गया कि हाँ मेरी यू की वैल्यू थर्टीन सेटिस्फाई कर रही थी ठीक है समझ में आ गया पक्का समझ में आ गया लेकिन हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं आया है बहुत ध्यान समझिएगा अभी हमको यू और डी की वैल्यू सिर्फ मिली है तो हमको क्या क्या मिल गया देखिए बच्चों हमको क्या मिला है ध्यान से समझेंगे यू की वैल्यू मुझे मिली है थर्टीन और डी की वैल्यू मुझे मिली है ट्वेंटी नाइन इसको बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड तो याद रखिएगा अच्छे से ठीक है ये आ गया अब लेकिन मुझसे पूछा क्या है स्पीड ऑफ बोट मैंने आपको कई बार बताया है भैया आप बोट की स्पीड कैसे निकालते हो एक्स यू प्लस डी बाई टू एवरेज होता है ना इनका तो ट्वेंटी नाइन थर्टीन का एवरेज कितना होगा मुझे एक बताओ ऐसे सोचो ना क्यों प्लस कर रहे हो देखो कितना अंतर है थर्टीन ट्वेंटी नाइन में कितना अंतर है सिक्सटीन का अंतर है सिक्सटीन का हाफ करो कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम हाँ सिक्सटीन का हाफ करो एट आठ होता है ना थर्टीन में एट जोड़ दो थर्टीन परसेंट एट कितना होता है ट्वेंटी वन होता है तो आंसर ट्वेंटी वन हो जाएगा कैसा लगा सर हैव यू एवर कम इन नागालैंड सलमान खान खलमान खातून आ, नहीं मैं नागालैंड आऊँगा नागालैंड घूमने आ रहा हूँ मैं गर्मी में ये थोड़ा बैच में खत्म हो जाए एक बैच यहाँ पर खत्म हो जाए तो गर्मी में मैं आऊँगा त्रिपुरा नागालैंड पूरा वो वाला पोर्शन त्रिपुरा में मेरी पहचान के हैं मैंने उनका लोन किया था क्या नाम है उनका दिलीप सर हैं तो वो कमांडेंट बी में कमांडेंट हैं बटालियन है तो बुलाते हैं घुमाने के लिए कि आइए मिश्रा जी घुमाएंगे आपको तो मैं कहता हूँ आता हूँ फिर क्या दिक्कत है <laughs> चलो अब आज मुझे क्लियर हुआ ये मेथड सर थैंक यू और सम क्वेश्चन समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन था ना ये बोर्ड में यही मैं तरीका बता रहा मैंने बच्चों को ऐसे ही बार तरीका बता दिया अब उनको लग गई लत <laughs> तो अब उन लोग जो है ऐसे करने लगे लेकिन मैंने समझाया ऐसे आप बोर्ड में नहीं कर सकते ये सिर्फ होता है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए आपने पुट किया आपने आंसर निकाला ठीक है क्लियर है चलो अब इसी का थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अब ऐसे आए तो आप लोग हमेशा बढ़ लोगे क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए हमेशा इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को बनाओ देखते हैं किसका आंसर आता है जो इसका आंसर निकाल लेगा ना मैं आपको सैल्यूट करूंगा रोडी सैल्यूट रोडी सैल्यूट देखा है आप लोग ने तो रोडीज में जो होते हैं ना कुछ ऐसे करते सेल्यूट, ये वाला <laughs> तो देन कम एंड विजिट हाँ बिल्कुल आऊंगा बिल्कुल आऊँगा कभी पंजाब भी आओ पंजाब भी आएंगे वेस्ट बंगाल भी आएगी वेस्ट बंगाल तो आना है वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता वगैरह एरिया है कुछ अच्छे एरिया हैं वहाँ घूमना है जल्दी आएं, आएंगे कोलकाता आएंगे चलो सर एस बी आई पी ओ मीनस का आई पी एस पी ओ मीनस का रिजल्ट का वेट कैसे करें मतलब रिजल्ट का वेट कैसे करते हो बैठ के करो भाई कैसे करोगे यार एक अप्रैल को आपका रिजल्ट आ रहा है पाँच छः दिन में कई खुशखबरियाँ आएंगी ठीक है तो कैसे क्या करना है वेट करना है बस और क्या चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी से बताइए कैसा लग रहा है सेशन अगर अच्छा लग रहा है लाइक करते जाइए थोक दीजिए लाइक जल्दी से थ्री सिक्सटी सिक्स लाइक है जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक जल्दी से कर दो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है लाइक करते जाइए और जो चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ये तो, तो बिना कहे वाली, वाली बात है कर लीजिए जल्दी से आज हम लोग टू 259 के हो गए हैं सब्सक्राइबर था चलिए आंसर आया टू किलोमीटर आ रहा है चलिए 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 जल्दी बताइए वेरी गुड वेरी गुड मैं त्रिपुरा से हूँ प्लीज़ मुझे बताना आपको इंस्टा पे डीएम पेडीएम करूँगा निरमै निर बनी बिल्कुल त्रिपुरा होऊँगा मैं जल्दी बताऊँगा 1.5 आ रहा है अब ये ट्रिक्स नहीं बन रहा हो मैंने बोला ना <laughs> कई जगह आपको सब्जी एकदम बनी, बनी बनाई नहीं मिलेगी कई जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया क्या अलग आ गया देखते हैं जरा तो ट्वेंटी तो किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम लिख लिया मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस थर्टी सिक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है डाउन लिख लिया इन सिक्स ठीक है फिर थर्टी सिक्स किलोमीटर आपका अपस्ट्रीम आप जा रहा है प्लस आपका ट्वेंटी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है डी सिक्स पॉइंट फाइव आर्स ठीक है ठीक है अब देखो दो तरीके हो सकते हैं बच्चों बहुत ध्यान समझना दो तरीके हो सकते हैं दो तरीके इसको समझाऊंगा मैं आपको सबसे पहला तरीका तो ये है कि एज्यूम करना अब मुझे पता है आप सब लोग ने यहाँ पे यू को ट्वेल्व पुट किया होगा किया था ना सब ने ट्वेल्व पुट किया था ठीक है सो आप यहाँ ट्वेल्व पुट करोगे तो देखो गलती क्या हो रही है ट्वेल्व यहाँ पुट कर लो मान लो ठीक है ट्वेल्व टू द होता है ट्वेंटी ठीक है तो टू आया उधर गया सिक्स माइनस टू फोर तो डी की वैल्यू आ गई नाइन ठीक है अब नाइन पुट करने पे जरा यहाँ पे देखो तो नाइन पुट करने पर आपको दिख रहा है पहले पास तो डेसेमल नहीं आ रहा है मतलब डेसेमल में वैल्यू जा रही 9, 24 तो 24 9 है नाइन आप काटोगे तो ट्वेंटी फोर बाय नाइन पता कितना होता है थ्री से काटो एट बाय थ्री ठीक है तो डेसिमल में चला गया ना पॉइंट थ्री 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 तो वैसे भी नहीं आना इसका मतलब ट्वेल्व तो नहीं होगा ट्वेल्व नहीं होगा ठीक है अब थोड़ा सा अगर आप डीप में जाओगे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स का और क्या एलसीम हो सकता है ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स का और क्या आप मुझे एक बात बताओ देखो आप ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना बच्चों ठीक है ये रहा ट्वेंटी फोर ये रहा थर्टी सिक्स ठीक है बहुत ध्यान से बनना ठीक है इसमें और इसमें कितना अंतर है ट्वेल्व का अंतर है तो हमें ट्वेल्व ले लिया अच्छा और क्या कर सकते हैं अब वही वाली बात होगी लेकिन आपको सोचना पड़ेगा लेकिन सोचना पड़ेगा आपको इतना सोचना पड़ेगा देखो ध्यान से एक वैल्यू होती है जो इसके बीच में लाई करती है ठीक है बहुत ध्यान से बनना अगर इसका एक फैक्टर आप देखोगे एट होता है ठीक है अच्छा सिक्स भर सकते हैं क्या सिक्स दिमाग में आया आप लोग के सिक्स तो सिक्स बार भर के देख लो मान लो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ देखो एक बार आप सिक्स भर के देखो बहुत ध्यान से भरना ठीक है तो सिक्स भरने पर क्या होगा देखो ध्यान से यहाँ पर आएगा फोर ठीक है उधर जाएगा टू बचेगा डी आ जाएगा एटीन ठीक है तो डी एटीन भरने पर फिर से एक बार देख लो जरा यू क्यूल सिक्स बनने पे हो जाएगा सिक्स और डी एटीन बनने पे आपका आ जाएगा वन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव निकल गया मतलब नहीं आया थोड़ा सा क्लोज और मुझे ले जाना पड़ेगा तो सिक्स बहुत कम हो गया ट्वेल्व बहुत ज़्यादा हो गया और क्या ले सकते हैं अब एक तरीका ये है जो दिमाग में आ रहा है आप नंबर को मल्टीप्लाई कभी करोगे तो आपको दिखेगा कि एट इंटू थ्री होता है आपका ट्वेंटी फोर ठीक है अच्छा और क्या भर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे एट यहाँ पे नाइन एट पॉइंट फाइव भर के देखें क्या एट पॉइंट फाइव ठीक है तो इसमें क्या है देखो एट पॉइंट फाइव शायद आपका आ जाएगा बहुत सोचना पड़ेगा अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं देखो ध्यान से देखो जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने से क्या फायदा होता है बच्चों वाला मैं एक बार सिखाता हूँ मैं आपको जब स्कूल में ये बच्चों के लिए करवाते थे तो आप अगर ध्यान से देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थर्टी सिक्स वाई इक्वल्स टू सिक्स लिखा हुआ है यहां पे थर्टी सिक्स एक्स और प्लस ट्वेंटी फोर वाई इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट फाइव लिखा है आपको मैं कुछ बताता हूँ बचपन की कहानी बहुत ध्यान से सुनना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ठीक है यहाँ पे क्या है कैसे सोचते सोचते आपका दिमाग खप जाएगा नाइन नहीं चल रहा है सिक्स नहीं चल रहा है ट्वेल्व नहीं चल रहा है एट पॉइंट फाइव क्योंकि कई बार वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं होंगी पॉइंट फाइव में होंगी तो आपको सोचना पड़ेगा सिक्स पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव किसी एक में से ऐसे नंबर आएंगे ठीक है तो ये तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जब भी बहुत ध्यान से बनना जब भी एक्स और वाई के कोफिशेंट सेम हो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स तो बचपन में एक मेथड पढ़ाया जाता था कि इसको सॉल्व करने के का बेस्ट तरीका ये होता है एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको घटा दो याद है एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको घटा दो तो जब इनको आप बहुत ध्यान से बनना जब इनको आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा पता है ट्वेंटी फोर प्लस तो क्या हो जाए सिक्स प्लस टू छह पॉइंट फाइव ठीक है तो इससे आप ध्यान से अगर देखो तो आपको एक्स प्लस वाई मिल जाएगा ठीक है कितना मिलेगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्सटी क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ मैं किए जा रहा हूं समझ में आ रहा है ठीक है तो इसको जोड़ने पता है क्या मिला आपको वन बाई यू प्लस वन बाई डी हाँ ठीक है तो आपको एक्स टू फाइव मिल गया फिर एक बार इसको घटा दो मैंने क्या बोला घटा दो जब घटाओगे तो हो, क्या होगा देखो ध्यान से थर्टी सिक्स ये घटाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स आएगा इधर उधर ट्वेल्व वाई भी आएगा तो हो जाएगा ट्वेल्व वाई माइनस एक्स ठीक कर रहे ना कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना हाँ इक्वल्स तो कितना हो जाएगा माइनस uh, में आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव अपॉन ट्वेल्व ठीक है फ्रैक्शन में कर लेंगे इसको तो फ्रैक्शन में कर आपका आ जाएगा फाइव अपॉन वन ट्वेंटी और कर देंगे वन बाई ट्वेंटी फोर ठीक है ये आपको जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा होगा नहीं मैं आपको भी शॉर्ट में करके कर दिखाऊंगा कैसे शॉर्ट में करते हैं ठीक है थीके? लेकिन ये आपको करना पड़ेगा अब यहाँ पर आपको इसको भी ज़्यादा सॉल्व कर लो फाइव से काट दो तो फाइव से आपका आ जाएगा टू पॉइंट फाइव सॉरी टू पॉइंट फाइव से कर दो फिर फाइव से कर दो फाइव टू जो हाँ टू पॉइंट फाइव और फाइव से ट्वेल्व ठीक है तो पच्चीस अपॉन एक सौ बीस कितना होता है पाँच पच्चीस और पाँच आपका चौबीस फाइव बाई ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है अब बहुत ध्यान से रखना थोड़ा जगह यहाँ कम बच रही है मैं ग्रीन प्रिंट यूज़ करता हूँ तो समझ आएगा देखो ध्यान से एक्स प्लस वाई है हमारा फाइव अपॉइन्ट ट्वेंटी फोर एक्स माइनस वाई हमारा कितना है वन अपॉइन्ट ट्वेंटी फोर ठीक है अब ये तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा होगा ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो x आ जाएगा y आ जाएगा ठीक है इसको जोड़ो कितना आएगा पता है टू एक्स और इसको जोड़ो सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर तो टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर आप ध्यान से देखो x था क्या x था क्या मैंने वन अपॉन यू को x माना था याद है बच्चों वाले कैसे बताया था और वन अपॉन डी को मैंने y माना था ठीक है तो ये है क्या वन अपॉन यू है इसको काट दो तो एक्स हो गई आपकी वन अपॉन एट ठीक है वन अपॉइंट मतलब वन अपॉन यू इससे आपको मिल गया यू की वैल्यू कितनी आ गई एट समझ में आ रहा है हॉस पॉस तो नहीं हो रहा है दिमाग में समझ में आ रहा है ना हाँ जी सर हाँ जी सर ठीक है चलो अब यहाँ पे एट आ गया बहुत ध्यान से बनना मतलब वन बाई एट कर सकते हैं एक्स वैल्यू तो कहीं भर दो आप कहीं भर दो यहाँ भर दो किसी में भर दो देखो अब यहाँ पे यू की वैल्यू आपको कितनी मिली एट मिली ना जरा एट पुट करो यहाँ पे एक बार एट पुट करो ठीक है तो एट पुट करने पर क्या आएगा देखो एट थ्री टाइम्स आएगा थ्री बचेगा और ये आ जाएगा ट्वेल्व तो एट आ जाएगा यू और डी आपका आ जाएगा ट्वेल्व ठीक है अब चेक करते हैं ध्यान सुनना एट पुट करो जरा तो एट जाएगा फोर पॉइंट फाइव टाइम्स एट जाएगा फोर पॉइंट फाइव टाइम्स और डी आएगा ट्वेल्व तो ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर तो फोर पॉइंट फाइव प्लस टू सिक्स पॉइंट फाइव बन गया ठीक है तो आपका यू एट आ गया और डी कितना आ गया ट्वेल्व आ गया ये चीज था अब या तो आप ये सोच लेते ठीक है जो कि आपको अप करने के बाद लग रहा हो यार एक बार एट भर लेना चाहिए था लग रहा है नहीं लग रहा है ठीक <laughs> है तो आप कहोगे भैया एग्जाम में इतना करेंगे नहीं एग्जाम में इतना नहीं करेंगे थैंक यू सर फॉर क्लास ठीक है समझ में आ गया चलो ये लास्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन इसके बाद आई थिंक एक और दो है दो क्वेश्चन आपके और हैं ठीक है लेकिन इसको मैं आपको एक बार आप सुन लो बहुत ध्यान से इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो कि जल्दी एग्जाम में आ कैसे देखो आपके सामने क्या था देखो एग्जाम में कैसे करो ट्वेंटी सॉरी थर्टी सिक्स अपॉन यू था ठीक है upon... और प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन डी था इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव था एग्जाम में क्या करो देखो जल्दी से अगर नहीं सोच पाए तो जल्दी से पहले प्लस करो तो मन नहीं करना क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो ऐड करना आसान है तो सिक्सटी क्या करोगे वन प्लस यू और ये वन बाई डी इक्वस टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो यहाँ से निकाल लेना आप वन बाई यू प्लस वन बाई डी ठीक है फिर एक बार माइनस कर देना तो आपको क्या मिलेगा ये माइनस ये करना तो ये माइनस ये करोगे तो आपका आ जाएगा वन बाई यू माइनस वन बाई डी और यहाँ पर आएगा ट्वेल्व इक्व टू पॉइंट फाइव और इससे आप ये निकाल लो वन बाई यू माइनस वन बाई डी फिर आप सॉल्व करके निकाल लेना यहाँ मिलेगा वन बाई यू माइनस वन बाई डी इनको जोड़ देना आपको यू मिल जाएगा फिर डी मिल जाएगा चलिए क्वेश्चन बना लीजिए समझ में आ गया अब तो दिमाग का दही हो गया ठीक <laughs> है थोड़ा सा देखो यार सिंपल सी बात है कुछ क्वेश्चन टफ डालने पड़ेंगे तो देखो आपको वही वाली बात है हमेशा एकदम खीर बनी बनाई नहीं मिलेगी कभी क्वेश्चन में वेरिएशन लाया जाएगा तो जब लाया जाएगा तो आप उसके लिए तैयार रहो कि क्वेश्चन टफ हो जाए तब भी हम कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो जल्दी से एक घंटे पचास मिनट हो गए जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट ये काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा सेम कॉन्सेप्ट है ये वाला कर लो बस मिड पॉइंट वाला एक क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट वाला ये कर लो बस ये तो बहुत लॉन्ग है मनप्रीत कौर प्लीज रिपीट कर दो एक बार सॉम आप पीछे करके देख लेना मैंने रिपीट किया अच्छा समझाया है समझ में आ जाएगा ठीक है अभी रिपीट करने बहुत लेट हो जाएगा एक बार ये कर लो जल्दी से आपका क्या है ना बोर्ड एंड स्ट्रीम एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा फिर दो क्लास होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है क्योंकि दो क्वेश्चन बचे हैं आप अगर देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए बेसिक से लेके एडवांस कैट लेवल तक हाँ सर चलो जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन बात कर लो काफी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ देखो क्या है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिवर पे ना सी जो है मिड पॉइंट है बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर मतलब कि जैसे मान लो ये बैंक है रिवर का ए और ये है बी मान लो ठीक है और सी यहाँ मिड पॉइंट है सी क्या है मिड पॉइंट है फिर क्या हो रहा है बहुत ध्यान से बनना बहुत ध्यान से समझिए अब बोट कैन गो फ्रॉम ए टू सी ए से सी जा रही है बोट एंड बैक मतलब वापस भी आ रही है ठीक है तो यहां से गई यहां से आई ये पूरा मुझे दिया हुआ कितना थर्टीन आवर्स फिर क्या बोल रहा है एंड फ्रॉम ए टू बी इन नाइन आवर्स फोर्टी मिनट यहां से अब देखिए क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यहां से यहां तक का आपको दिया हुआ है कि कितना लग रहा है नाइन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट फिर ध्यान सुनिए हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम बी टू ए अब बी से ए का पूछा है आपसे कि बताओ कितना टाइम लगेगा बी तक का यहां का टाइम निकाल सकते हैं हम लोग बहुत ध्यान समझना तो ये आपका टाइम था ए से बी दिया हुआ था ना मुझे सॉरी ए टू बी दिया था ये sorry, ये तो टाँग तो टाँग ना ये टाइम सॉरी ये वाला टाइम तो ए से सी का टाइम जो टाइम होगा ना ध्यान समझना ए से सी का जो टाइम होगा वो ये होगा फाइव एटी फाइव फाइव एटी फाइव बाई टू ये टाइम होगा फाइव एटी फाइव बाई टू सॉरी ये टाइम होगा फाइव एटी फाइव बाई टू ठीक है तो जब मुझे ए से सी का टाइम बहुत ध्यान से बनना तो मुझे ये टाइम जब निकालना है ठीक है ए से सी का ये मैं बोल देता हूँ मान लो अप स्ट्रीम है अप्रीम का टाइम तो जब मुझे ए से सी का डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना होगा डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से बनना तेरह घंटे थे टोटल तेरह घंटे थे ठीक है माइनस ये करना पड़ेगा मुझे तो तेरह घंटे में माइनस फाइव एटी फाइव बाई टू करना पड़ेगा uh, मतलब सॉरी मिनट्स है ना तो इसको मिनट्स में कर लो पहले कितना है सेवन एटी तेरह सेकेंट सत्तर होता है ना हाँ ये हो जाएगा मेरा इसका टाइम ठीक है ये हो जाएगा मेरा इसका टाइम ठीक है अब इसका टाइम आ गया तो डबल कर दो अब इसको डबल करना है आपको इसको डबल करो जरा इसको डबल करो कितना हो जाएगा टू इन टू सेवन एटी माइनस फाइव नाइन्टी फाइव एटी फाइव बाई टू ठीक है कितना हो जाएगा ये ये अठहत्तर दिन कितना होता है छप्पन होता है फाइव वन फाइव सिक्स जीरो माइनस टू से कट जाएगा डबल कितना हो जाएगा छः सौ दिन बारह सौ बारह सौ में आपका तीस घटा दो बारह सौ में तीस घटा दो कितना हो जाएगा ग्यारह सौ सत्तर ठीक कर रहे हैं ठीक कर रहे ना फिर ये हो जाएगा सोलह में सात आपका नाइन ज़ीरो ठीक है थ्री थ्री नाइन्टी मिनट्स आ जाएगा थ्री मिनट मतलब कितना होता है थ्री सिक्सटी प्लस सिक्स तो सिक्स और थर्टी आंसर हो जाएगा सॉरी समझ में आ गया अभी प्लीज़ सॉरी गलती हो गई थी हाँ 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 देखो 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 इधर देखो इधर देखो अब समझ लो अब समझ लो सॉरी गलती हो गई थी एक छोटी कन्फ्यूजन हो गई देखो होता क्या है कॉन्सेप्ट समझ लो जैसे मान लो ए से बी यहाँ से यहाँ जा रहा है बहुत ध्यान से समझना ए से बी यहाँ से यहाँ जा रहा तीक है ठीक है ठीक है तो जैसे मान लो जैसे मैंने आपको बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मान लो कोई बंदा है वो डबल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है मान लो वो कोई बंदा है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम में तो डिस्टेंस डबल होगी तो टाइम भी डबल होगा क्योंकि स्पीड सेम है कोई बंदा है डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है बहुत ध्यान से समझना डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम डबल होगा सिमिलरली ए से सी क्या हो रहा है हाफ डिस्टेंस है भाई ए से बी तक का टाइम कितना है नौ घंटे पैंतालीस मिनट ए से बी तक का टाइम कितना है नौ घंटे पैंतालीस मिनट तो जो ए से सी तक का टाइम है हाफ टाइम होगा ए से सी तक का टाइम कितना होगा हाफ टाइम होगा तो अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा हाफ हाफ ऑफ कितना जो ए से बी में लग रहा है ये मैंने कर दिया फिर मुझे क्या निकालना था ए से सी का डाउन स्ट्रीम टाइम कहो भैया वो कैसे निकालोगे हमको ए से सी अपस्ट्रीम स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टोटल दिया था तेरह आवर्स थर्टीन आवर्स ठीक है और टोटल दिया था आपका थर्टीन आवर्स पर गई तो टोटल थर्टीन आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं थर्टीन इंटू सिक्सटी कितना होता है सेवन एटी होता है ठीक है क्योंकि तो टोटल जो है ना यहां से जाना यहां से आना, यहां से आना ये आपका सेवन एटी मिनट्स था जाना आना सेवन एटी मिनट्स था बहुत ध्यान से बनना ठीक है तो सेवन एटी मिनट्स आपका टोटल था और ये टाइम हमने निकाला इसका हाफ तो मुझे एक बात बताओ सी से ए का डाउन टाइम कितना होगा सी से ए का डाउन टाइम कितना होगा ये वाला ये हो जाएगा सी से ए का डाउन टाइम कितना होगा सेवन एटी माइनस ये जो हाफ टाइम था अब आप बोलो भाई ये क्यों निकाला क्योंकि ये भी इसका हाफ डिस्टेंस है क्योंकि बी से ए जाने में जो टाइम है ना बहुत ध्यान से बनना वो इस टाइम का डबल हो जाएगा इस टाइम का डबल हो जाएगा जो नीचे वाला टाइम है ना इसका डबल हो जाएगा ठीक है टाइम कितना होगा दिस माइनस दिस अब मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ इसका डबल किया ध्यान से अगर देखो तो टू इन टू दिस दिस किया है मैंने अंदर ले जाओ ये आएगा अंदर ले जाओ कट जाएगा टू से टू इसका डबल हो जाएगा ठीक है सही किया ना कुछ और तो नहीं किया मैंने तो इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा एक बार करके देख लो ठीक है जिसको समझ में नहीं आया एक बार आप प्लीज फिर से देख लीजिएगा अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको जरूर करना अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा मिड पॉइंट वाला ही है ये बेसिकली मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपका आईबीपीएस पीओ में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था आ, ये मिड पॉइंट वाला ठीक है तो थोड़ा आपका कॉन्सर बनेगा ठीक है तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स का हुआ क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन होमवर्क में दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्लास ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगी इतना आज के लिए काफी है ठीक है हाँ भैया मेल देख लूंगा चलो प्रजापति आप दोबारा देखो समझ में आ जाएगा आप एक बार दोबारा दो देखो समझ में आएगा ठीक है क्लास टफ है पर, पर मजा आ गया बहुत आ रहा है ठीक है तो देखो ये कॉन्सेप्ट टफ है लेकिन समझना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत आता है और ये चीज है ठीक है चलो एवरी ओके बाय एवरी वन टेक केयर रखते हैं ठीक है आप लोग जाओ अपने खाना पीना खाओ और आराम से ऐश करो ठीक है और इसको जिसको समझ नहीं आया एक बार आप रिफरेंस से देख लीजिए समझ में आ जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक गलती हो गई थी बीच में ध्यान नहीं दिया मैंने ठीक है